देखो ध्यान दो, तो कल हम लोग ने पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर सिखा दिया था ना तुमको, मैंने याद है एन टाइप सेमीकंडक्टर याद है क्या था बताओ उसमें कैसे बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर? पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते किसके अंदर? क्या पढ़ा? इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर में अगर तुमने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड किया तो क्या बनता है? सब ऊपर से जा रहा है, कुछ पढ़ पढ़ के आते नहीं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का दो टाइप है, एन टाइप और पी टाइप। कल मैंने तुमको सिखाया था एन टाइप। अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर में पी समझो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाल दिया तो बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, समझा? अगर तुम बोलेंगे एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो भी चलेगा, क्योंकि वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टाइप है ना एक, समझा? ऐसा आज क्या पढ़ने वाले, आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है? पी टाइप। कल जैसा ही रहेगा, कल मैंने ऑलरेडी तुमको बता दिया था अगर इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग ने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड किया तो क्या बनता है? पी टाइप। कल याद है ना ये? याद है ना? हाँ, तो आज हम लोग वही पढ़ने वाले पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखो तुमको पेंटावेलेंट इंप्योरिटी का एग्जांपल याद है? बोलो क्या क्या था? आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फरस, बराबर ये था। वैसे तुमको ट्राइवेलेंट का भी कुछ एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, इंडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, बराबर है? तीन एग्जाम्पल याद रहेगा, क्या क्या है? इंडियम, एल्यूमिनियम, बराबर। ये सब तुम्हारे टेस्ट में सब कुछ दिया हुआ है। तो अगर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी हम लोग ने इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड कर दिया, मतलब प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर में ऐड कर दिया, बराबर, तो क्या बन जाएगा? पी टाइप एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। सिंपल है ना? सर पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है? वही कल का प्रोसेस ही है। कल हमने पेंटा ऐड किया था, आज क्या ऐड करेंगे? ट्राई, समझा? पढ़ो, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। When silicon or germanium is doped with trivalent impurity like indium, boron, aluminium, तो क्या होगा? We get P-type semiconductor, हमको P-type semiconductor मिल जाएगा तब। समझ में आ रहा है ना? Easy एकदम, बराबर। चलो अब देखते हैं, अगर चलो डायग्राम देखते हैं। याद है कल का डायग्राम जो बताया था मैंने, बनाया था ना कल में एक डायग्राम? चलो वैसे एक डायग्राम आज ही बनाता हूँ। समझो मैं इंडियम यूज करता हूँ, क्या यूज करने जा रहे हैं हम लोग? इंडियम, ओके। देखो अच्छा, इंडियम ट्राइवेलेंट है कि पेंटावेलेंट है? एग्जाम्पल ट्राइवेलेंट, तो ट्राइवेलेंट रहेगा ना? हाँ, इंडियम ट्राइवेलेंट है, ओके। तो कितना बॉन्ड बनाएगा? ट्राइवेलेंट है ना तो तीन, कल पेंटावेलेंट था तो कितना बनाया था? पांच, आज ट्राई तो तीन बनाएगा। तीन अगर इसका, अगर ये ट्राइवेलेंट है तो इसके लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? अरे अगर कल पेंटावेलेंट था तो उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन था? पांच था ना, ये ट्राइवेलेंट इसके पास कितना रहेगा? तीन रहेगा। चलो तो, और आज मालूम है आजू बाजू क्या रहता है? सिलिकॉन। कल बताया था ना तुमको ये सब चीज मैंने, ये सिलिकॉन यहाँ पे रहेगा, आजू बाजू सिलिकॉन्स रहता है, ये पूरा सिलिकॉन का शीट है, बीच में क्या डाल दिया हम लोगों ने? इंडियम एज अ इंप्योरिटी डाल दिए। अच्छा कल बनाया था, ये इलेक्ट्रॉन किसका है? सिलिकॉन का है। एक इलेक्ट्रॉन और लगेगा यहाँ पे, इंडियम का लगेगा ना, इंडियम का इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास, चेक करो बॉन्ड बनेगा? दो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पे बनेगा एक बॉन्ड ना, ऐसा ऐसा है ना? समझ में आ रहा कैसा है? अरे कल भी किया है ये चीज़, बराबर। वैसे सिलिकॉन बॉन्ड बनाता कितना है? चार बॉन्ड बनाता है, तो इधर एक बनाया है, समझा? और बाकी इधर भी तो रहेगा ना, समझ में आ रहा है क्या? कल भी बताया था ना ऐसा, ऊपर भी रहेगा ना सेम। ये सिलिकॉन इधर एक बनाएगा, यहाँ पे रहेगा ऐसा, बराबर ना? सेम नीचे वाला सिलिकॉन इधर रहेगा, नीचे रहेगा, यहाँ रहेगा, और ये बनाने वाला है मैं थोड़ी देर में। ये ऊपर रहेगा ऐसा, इधर बाजू में रहेगा ऐसा, नीचे रहेगा। दिखाई दे रहा है तुमको क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे कल कल का ही डायग्राम है, बराबर। अब इंडियम का बाकी है, इंडियम के बाद बताओ तुमने कितना बताया, कितना इलेक्ट्रॉन उसके बाद? तीन ना, एक बना दिया, बराबर। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इंडियम का है, बराबर ना ऐसा? और ऐसा एक इलेक्ट्रॉन किसके पास रहेगा? सिलिकॉन के पास रहेगा, वो बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे, ऐसा। समझ में आ रहा है? बराबर। एक और नीचे, ये इंडियम का इलेक्ट्रॉन, ये जो ग्रीन और ब्लू बनाया वो एक बॉन्ड है कि दो बॉन्ड है? ये ग्रीन ब्लू मतलब कितना बॉन्ड है? एक ही है, कल बताया था ना वो, उसको एक वो दिख रहा है, दो है उसमें, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन लगा, बराबर। कितना बॉन्ड बन गया जरा देखो? तीन, बराबर। तुमको क्या लगता है ये सिलिकॉन के पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा? सिलिकॉन के पास तो चार इलेक्ट्रॉन रहता है, बराबर। तो ये इधर बॉन्ड बनाएगा, बराबर, बॉन्ड बनाएगा, ट्राई करेगा। लेकिन इंडियम के पास तो कितना इलेक्ट्रॉन था खाली? तीन, तीन का तीन हो गया ना यूज? अरे यूज हो गया, देखो ना, ब्लू कलर का तीन बना दिया, बराबर। अब कुछ है क्या उसके पास? मतलब इधर एक वैकेंसी है, बराबर, इधर खाली जगह है,
समझा ना, मतलब यहाँ पे क्या है होल्स, समझा लॉजिक क्या है, बराबर होल है यहाँ पे ऐसा। ओके तो अब बताओ ये इसमें अगर मैं देखूँ तो समझो अपने कोई बॉन्ड, एक सिंपल सा कल कल पढ़ाया था ना तुमको मेजॉरिटी कैरियर माइनॉरिटी कैरियर, कल याद है बताया था ना, कल जो एन टाइप सेमीकंडक्टर मैंने पढ़ाया था उधर मेजॉरिटी कैरियर कौन था, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन था बरा और कम कौन था होल्स। क्यों मालूम है कल ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मेरे को एक्स्ट्रा मिला था। अब बताओ मेरे को यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है, होल एक्स्ट्रा मिल रहा है, होल्स एक्स्ट्रा मिल रहा है, बताओ अभी तो मेजॉरिटी कैरियर कौन रहेगा, होल्स, जो एक्स्ट्रा मिल रहा है तुम्हारा मेजॉरिटी कैरियर बराबर, और माइनॉरिटी कौन कैरियर कौन रहेगा, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेजॉरिटी कैरियर होल्स है, होल्स पे चार्ज कौन सा रहता है पॉजिटिव, इसके लिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, सिंपल ना, कल ही सिखा चुका हूँ, कल ही बताया था बराबर ये सब कुछ। चलो पढ़ते फटाक, समझ में आ गया डायग्राम वगैरह क्या क्या हो रहा है, चलो आगे पढ़ते, पॉइंट नंबर टू पढ़ो, ट्राइवर इंप्यूरिटी हैज थ्री इलेक्ट्रॉन, देयर थ्री इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल एंड फॉर्म्स थ्री बॉन्ड विद द सिलिकॉन, बट द फोर्थ बॉन्ड ऑफ सिलिकॉन जो है हैज अ वन वैलेंसी, राइट, कॉल्ड होल, अच्छा वैलेंसी मतलब वैकेंसी होना चाहिए, ज्यादा बेटर रहेगा, अच्छा वैकेंसी ही था वो बराबर, खाली एल दिख रहा है, एक वैकेंसी है ना, खाली जगह है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं होल्स। अरे कल का ही टॉपिक, अभी नया चालू नहीं किया मैंने, कल सिखा चुका हूं ये सब चीज। आगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर थ्री, इट हैज अ टेंडेंसी, एक बात बताओ इसके पास होल्स है मतलब पॉजिटिव चार्ज है बराबर, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का एबिलिटी इसके पास, अरे होल्स मतलब पॉजिटिव है ना, तो लेगा, कल याद है कल इलेक्ट्रॉन था तो दिया था ना उसने बराबर ना, इस बात होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या है, ये नेगेटिव चार्ज को एक्वायर करने का ट्राई करना, पॉजिटिव क्या बनेगा, नेगेटिव बनने का ट्राई, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है बराबर, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का ट्राई करेगा ना, इसके लिए इस टाइप के इंप्यूरिटी को हम लोग एक्सेप्टर इंप्यूरिटी बोलेंगे। कल याद है कल क्या बोला था, कल डोनर इंप्यूरिटी आया था, क्योंकि मेरे पास पांचवा इलेक्ट्रॉन था वहाँ पे, जो पांचवा इलेक्ट्रॉन डोनेट होता था फ्री ना, घूमता था ना कंडक्शन करने के लिए, तो वो क्या था, कौन सा इंप्यूरिटी था, वो डोनर था, क्योंकि उसने डोनेट किया था, अब ये एक्सेप्ट करेगा कि इलेक्ट्रॉन, अरे खाली, अब देखो एक्चुअल में इसमें करंट फ्लो होता है कैसे, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ डिटेल में होता है क्या, देखो एटॉमिक लेवल पे ये खाली जगह है बराबर, यहाँ पे कोई तो इलेक्ट्रॉन आएगा बराबर, जब जो पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह प्रॉपर लगा दिया तो क्या होने वाला है, ये खाली जगह को भरने ट्राई करेगा, ये खाली जगह मतलब कौन सा चार्ज है वहाँ पे, पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड समझो यहाँ पे दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन या फिर कोई और इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेगा इसकी जगह पे आ जाएगा, खाली जगह की जगह पे आ जाएगा बराबर, यहाँ पे आ जाएगा, पहले खाली जगह था तो पॉजिटिव था, अब कौन आ गया वहाँ पे, इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन जहाँ से आया उधर तो खाली जगह क्रिएट हो गया ना, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, बोलो हाँ, अभी वापस खाली जगह भरने का, तो कोई और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, कोई और इलेक्ट्रॉन ये जगह लेगा, वो जो कोई और इलेक्ट्रॉन ये जगह लेगा उसका जगह खाली हो जाएगा, समझा, एक्चुअल में वो होल आगे आगे मूव हो रहा है, देखो जा रहा है ना आगे, तो यहाँ पे कौन ट्रैवल करता है, कौन मूव करता है, होल्स ना, ज्यादा मूव हो गया ना होल्स, तुमको एक्चुअल में होल्स दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पे ज्यादा, समझा रहा लॉजिक क्या है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखो इसने क्या किया, अपने जगह पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया ना, तो एक्सेप्टर इंप्यूरिटी बराबर ना, समझा ना क्या, इजी चीज है बराबर हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, किधर कौन से पॉइंट में थे हम लोग, पॉइंट नंबर थ्री में था ना, हाँ, कि ये क्या करता है, वो जो होल है उसके पास टेंडेंसी है कि वो क्या करे, एक्सेप्ट करे, किसको एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, किधर से भी एक्सेप्ट करेगा, जो नजदीक वाला, जो भी विसिनिटी में जो भी इलेक्ट्रॉन, उसको अपना जगह ले लेता है, समझ आ रहा है क्या, अरे देखो ना ये यहाँ का यहाँ पे जो खाली जगह है वो कहीं और से इलेक्ट्रॉन आया क्या उस जगह पे, नहीं, आजू बाजू विसिनिटी से जहाँ भी तुमको इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है, समझ में आ रहा है पॉइंट क्या है, इजी है, पढ़ो चलो पॉइंट नंबर थ्री पढ़ो, क्या था हूँ, पढ़ो, इट हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स, आया ना वर्ड, आजू बाजू जो भी तुमको वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो इलेक्ट्रॉन को वो अपना जगह दे देगा, और उसका इलेक्ट्रॉन का जगह खाली वैकेंसी ना, अब वो आगे होल्स ट्रैवल करेगा आगे, हाँ For this reason, trivalent impurity are called as acceptor. इसलिए उसको acceptor impurity बोलते हैं, बराबर? आगे बढ़ते हैं, next. For p-type semiconductor, holes are the, पहले पढ़ा दिया है ना तुमको, ज्यादा कौन एक्चुअल में ट्रैवल क्या कर रहा है बताओ, होल्स, बराबर, तो यहाँ पे तुम्हारे लिए होल्स क्या रहेगा बताओ, होल्स कैसा एक्ट करेगा, मेजोरिटी कैरियर और माइनॉरिटी कैरियर में कौन रहेगा, इलेक्ट्रॉन, सिंपल सिंपल चीज है, हार्ड कुछ नहीं है, बराबर, यहाँ पे आगे, नेक्स्ट, फिफ्थ, सिंस द कंडक्शन इज ड्यू टू होल्स, बढ़ रहे ना आगे, अरे इलेक्ट्रॉन तो उसका जगह ले रहा है, आगे कौन मूव हो रहा है, होल्स मूव हो रहा है, तो कंडक्शन किसके से हो रहा है, होल्स के से, मतलब कौन से चार्ज की वजह से, पॉजिटिव, इसलिए नाम क्या है, पी टाइप, बहुत सिंपल है, वही एक बार फिर से पॉइंट, सिंस द कंडक्शन इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज दैट इज होल्स, हेंस इट इज कॉल्ड एज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, सिंपल ना, एक लास्ट पॉइंट, सिलिकॉन विद ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी इंडियम, उसका डायग्राम, डायग्राम का पॉइंट समझा,
इजी है ना, अरे कल के जैसे ही तो पॉइंट है, बराबर ना। हाँ चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब कुछ सेमी के देखो, अभी सेमी कंडक्टर डिवाइसेस वैसे तुमको पढ़ाया नहीं मैंने, चलो सेमी कंडक्टर डिवाइस पहले पढ़ा दो उसके बाद यहाँ पे आते हैं। ये समझा ना इतना, ये सब बाद में पढ़ेंगे, पहले तुमको ये डिवाइस आना चाहिए, उसके बाद में तुमको ये सब सिखा सकता है, ऐसा डायरेक्ट नहीं समझेगा। देखो पढ़ते पढ़ो, क्या टॉपिक का नाम क्या है, पीएन जंक्शन डायोड, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवाइसेस पढ़ने जा रहे हैं, डिवाइस पढ़ना हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गया, चल प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक्स में, बराबर। तो पीएन जंक्शन डायोड क्या, ये मैंने तुमको ऑलरेडी सिखाया है, क्या पीएन जंक्शन डायोड ओमिक कंडक्टर की नॉन ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक, क्योंकि ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, ये पढ़ा चुका हूं मैं तुमको ना, पीएन जंक्शन डायोड पढ़ाया था, जीनर डायोड पढ़ाया था, ट्रांजिस्टर्स पढ़ाया था वहां पे, बराबर। वो धीरे धीरे आएगा, ट्वेल्थ में आएगा तो ट्रांजिस्टर भी आ जाएगा, बराबर। इधर ही पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर, स्टार्ट करते हैं, बोलो। हाँ ये बना कैसे, अब तुमको पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर प्रॉपर नॉलेज है, मालूम है पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, चलो अब बताता हूं तुमको बनता कैसे पीएन जंक्शन डायोड। देखो एक हमारे पास था पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये कौन सा सेमीकंडक्टर है, ये जो मैं बना रहा है, ये कौन सा कंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप मतलब ये वाला ना, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी कैरियर कौन रहता है, होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज, बराबर। तो याद रखो ये तुम्हारा पी टाइप का सेमीकंडक्टर, बराबर। हाँ एक और तुम्हारे पास, देखो नाम ही पढ़ो क्या है, पी बी और क्या है, दोनों है, दोनों है, तो मैंने पी बना दिया। अब एन जरा देखो, एन के बारे में देखो, एन टाइप सेमीकंडक्टर, सोच के रखो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, मेजॉरिटी कैरियर मतलब नेगेटिव चार्ज, तभी तो नाम दिया एन टाइप, बराबर। हाँ अगर मैं इस पी टाइप सेमीकंडक्टर को, दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का, ये दिख रहा है पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये देखो इधर, देखो इधर तक आने का ब्लैक, देखो ना ब्लैक कहां तक गया, बराबर पी टाइप, और दूसरा दिखाई दे रहा है एन टाइप, किया क्या मालूम है, दोनों को डिफ्यूज कर दिया, एक यहाँ पे पी टाइप दूसरा एन टाइप, दोनों के अंदर, समझा रहे कैसा है, अंदर चले गया है पी के अंदर, एन चले गया ऐसा, दोनों को डिफ्यूज कर दिया, अंदर का मटेरियल डिफ्यूज कर हो गया, समझ में आ रहा है, अरे समझ आ रहा है ये क्या हुआ इधर, ये इतना जगह समझ में आ रहा है इसमें क्या है, वो इतने से जगह में पी भी है और एन भी है, वो दोनों अंदर हो गया, अंदर चले गया दोनों, समझा, एक मटेरियल दूसरे मटेरियल के अंदर घुस गया है, समझा, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन टेक्निक, बराबर, जिसमें एक मटेरियल के अंदर दूसरे मटेरियल को डिफ्यूज कर देते हैं हम लोग, समझा, समझ में आ रहा है क्या है। अब जरा ध्यान से देखो, पी टाइप सेमीकंडक्टर था, किधर से किधर तक जरा पी टाइप है, जरा देख लो, यहाँ से चालू होता है और इधर तक पी टाइप सेमीकंडक्टर है ना, बराबर। पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी कैरियर कौन, होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज, देखो दिखाई दे रहा है पी टाइप के अंदर मैंने सब जगह पे क्या बनाया, पॉजिटिव चार्ज, समझ आ रहा है, एक करना है तुमको, उनको बताता हूँ क्या उसका रीजन क्या है। दूसरा क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसके अंदर मेजॉरिटी कैरियर कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन, दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स, अभी माइनस 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 है, इलेक्ट्रॉन्स में डैश नहीं, माइनस माइनस, समझा, इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इतना सा जो रीजन है, ये दिख रहा है इतना सा रीजन ही है, इसमें पी टाइप का मेटल भी आता है और एन टाइप का मटेरियल भी वहीं पे आ जाता है ना, बराबर। तो जो पी टाइप का, देखो ये दिख रहा है ब्लू कलर का पार्ट, कुछ ये, अच्छा थोड़ा डिटेल बता दो, ऐसा नहीं समझेगा, इधर देखो, देखो ये पॉजिटिव एक्चुअल में इधर रहना चाहिए था ना, पॉजिटिव एक्चुअल में यहाँ पे रहना, मैं उल्टा बनाया था, बरा वही राइट है, ये बता रहा हूँ जस्ट हुआ क्या। देखो ये पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे पी टाइप का पार्ट है ना, पी टाइप में पॉजिटिव चार्ज रहता ही है, बराबर। जब डिफ्यूज किया ऐसा, जब एक के अंदर एक को घुसा दिया ऐसा, तो उस टाइम पे कुछ पॉजिटिव चार्ज पी टाइप का, देखिए कुछ पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर चले गए, दूसरे वाले पार्ट में चले गए, बराबर। जब पॉजिटिव इधर से इधर चले जाएगा, ये दिख रहा है यहाँ से यहाँ पे चले गया, इधर आ जाएगा कुछ पॉजिटिव चार्ज, समझ आ रहा है कहाँ पे आ जाएगा, देख रहे उधर आ जाएगा सामने, वैसे ही इधर बताओ पहले क्या रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव रहेगा इलेक्ट्रॉन, वो उस टाइम पे यहाँ से कहाँ पे आ जाएगा, इधर ना, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, अपोजिट जगह पे ट्रैवल मार दे, क्यों हुआ, डिफ्यूज हो गया अंदर, इसके लिए, बराबर। तो कुछ नेगेटिव चार्ज जो एन में रहना चाहिए था वो कहाँ पे आ गया, वो पी वाले पार्ट में आ गया, समझ में आ गया ऐसा, बोलो समझ में। क्या एक ही रीजन में दो अलग अलग टाइप का चार्जेस यहाँ पे आ गया है, बराबर, इसलिए इस टाइप के रीजन को बोलते हैं डिप्लीशन रीजन, क्या बोलेंगे, डिप्लीट हो गया ना, एक के अंदर एक घुस गया उसके अंदर, समझा ऐसा। तो ये क्या रहेगा बताओ, याद रखो इस एक्चुअल में इसको बोलते हैं जंक्शन, वैसे दो तीन नाम है, सो क्या बोलेंगे, जंक्शन, जंक्शन समझ में आता है क्या, जहां दो और तीन चीज मिल जाता है ना एक साथ, दो या फिर दो ज्यादा चीज, देखो ना ये जंक्शन ना, अरे रेलवे का जंक्शन देखा रहेगा ना, वैसा ही ये दिख रहा है, एक पी टाइप मटेरियल और एक एन टाइप मटेरियल मिक्स हो गया, जंक्शन, समझ रहे जंक्शन क्या है, जंक्शन को हम लोग एक और नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डिप्लीशन रीजन, याद रखो जंक्शन का दूसरा नाम क्या है, डिप्लीशन रीजन। अब जरा ध्यान दो यहाँ पे, क्योंकि इस रीजन में नेगेटिव चार्ज भी आ गया है, पॉजिटिव चार्ज भी आ गया है, बराबर। तो कुछ तो सेल देखा है, सेल में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहता है,
तो उधर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, पीडी रहता है ना पोटेंशियल डिफरेंस, वैसे ही इस रीजन में पॉजिटिव चार्जेस भी है और नेगेटिव चार्जेस भी है, तो यहाँ भी पोटेंशियल आएगा बरा। वो पोटेंशियल को नाम देंगे हम लोग बैरियर पोटेंशियल, क्या बोलेंगे उसको barrier. हम लोग डिवाइस पढ़ रहे हैं जो ये एक्चुअल में तो सर्किट्स में लगता है सब चीज़ें, पीएन जंक्शन डायोड के बिना नहीं सर्किट्स बन सकता है, ये सब यूज होता है पीएन जंक्शन डायोड सर्किट्स वगैरह में। समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या क्या हुआ है? पीएन जंक्शन डायोड बताओ बनाया कैसे? पी टाइप मटेरियल को एन टाइप मटेरियल के अंदर डिफ्यूज कर दिया, समझा? बीच में जो ये चीज बना है क्या बोलते हैं? जंक्शन। जंक्शन उसका दूसरा नाम क्या है? डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन बराबर। इस जंक्शन या फिर डिप्लीशन रीजन में वहां पे चार्जेस है, अपोजिट नेचर का चार्जेस, उसकी वजह से वहां पे कुछ तो पोटेंशियल डेवलप होने वाला है ना, उस पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलेंगे? बैरियर पोटेंशियल। बैरियर समझा? बैरियर। बैरियर का मतलब मालूम है मैम? जो चीज रोक देता है, रुक, अरे शील्ड एक टाइप का, रुका दिया, उसके आगे नहीं जाते, बैरियर मालूम ना, समझा? हाँ, तो ये एक टाइप का बैरियर है, ये दिखा, ये बैरियर है, ये बैरियर के वजह से यहाँ का पॉजिटिव चार्ज एन में नहीं जा सकता है, यहाँ का नेगेटिव चार्ज पी में नहीं आ सकता है, समझा? क्यों नाम बोल रहे उसको पोटेंशियल बैरियर, समझ आ रहा है? ये यहाँ का नेगेटिव यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ का पॉजिटिव यहाँ नहीं जा सकता, क्यों? रीजन क्या है? रीजन है पोटेंशियल बैरियर या फिर बैरियर पोटेंशियल, समझ में आ रहा है? चलता है बैरियर पोटेंशियल, पोटेंशियल बैरियर, समझ में आया? क्या दो तीन चीज तुमको सिखाया, टेक्निकल टर्म क्या बोलते हैं इसको? जंक्शन बराबर। दूसरा नाम डिप्लीशन रीजन। यहाँ पे चार्जेस आने की वजह से वहां पे क्या आ चुका है बताओ? बैरियर। वहां पे एक डेवलप हो गया पोटेंशियल, पोटेंशियल नाम है बैरियर पोटेंशियल या तो पोटेंशियल बैरियर, एक ही बात है। समझ में आया क्या है? समझा डिवाइस क्या है? हाँ, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे ये वर्क कैसे करता है, बराबर? ये वर्क कैसे करता है देखो, ये सब जगह बहुत जगह पे यूज होता है, हर जगह पे, हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में तुमको पीएन जंक्शन डायोड, जीनर डायोड, ट्रांजिस्टर्स वगैरह सब कुछ मिलेगा, ये धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे आगे। हाँ, इसका सिंबल ऐसा होता है, दिखाया? इसका सिंबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ऐसा रहता है, ये किसका सिंबल है? पीएन जंक्शन डायोड, बराबर। एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड, बराबर। एनोड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल डिवाइड, ये दिखाया? पॉजिटिव टर्मिनल, टर्मिनल मालूम है? टर्मिनल मालूम है ना? हाँ, इसको बोलेंगे नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि कैथोड, बराबर। सी से भी डिनोट कर सकते हैं, के से भी करेंगे तो भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझा? तो पीएन जंक्शन डायोड एक्चुअली ये बायपोलर, सॉरी ऐसा बोल, बाय टर्मिनल, बाय टर्मिनल समझा? तो बाय टर्मिनल दो टर्मिनल है ना, समझा? या फिर टू टर्मिनल डिवाइस, बराबर। टू टर्मिनल यूनी जंक्शन, एक ही जंक्शन है ना, समझ आ रहा है? ऐसा ट्रांजिस्टर होता है उसमें तीन तीन, देखो ये पी है, ये एन है, अगर इसके पीछे मैंने पी वापस लगा दिया ऐसा अंदर, तो बन जाएगा ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर्स, समझा? तो उसमें कितना, देखो दो अलग अलग चीज मिल गया तो एक जंक्शन बना, वैसा इधर से भी एक बनाएंगे तो कितना जंक्शन आएगा? दो आ जाएगा, दो आ जाएगा ना, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, तो ट्रांजिस्टर में दो दो जंक्शन रहता है, बराबर। तो उसका डिफाइन है, ट्रांजिस्टर का डिफाइन था, इट इज अ थ्री टर्मिनल डिवाइस हैविंग टू जंक्शंस, बराबर। ये तो नहीं, ये तो पीएन जंक्शन ना, इसमें कितना जंक्शन है? एक ही है, कितना टर्मिनल है? दो टर्मिनल, समझा? पीएन जंक्शन डायोड इज अ टू टर्मिनल डिवाइस हैविंग वन जंक्शन, या फिर यूनि जंक्शन, ऐसा ही बोल सकते हैं। डिफाइन वगैरह देखेंगे क्या है, समझा पॉइंट क्या है? पीएन जंक्शन बनता कैसे, सिंबल समझा उसका क्या है? सिंबल इलेक्ट्रॉनिक सिंबल ऐसा है, बराबर। एक एनोड और दूसरा कैथोड, ये दिख रहा है, ये लाइन रिप्रेजेंट करता है बैरियर को, दिख रहा है बैरियर पोटेंशियल, ये दिख रहा है ऐसा। हाँ, समझ में आया ये चीज क्या है? चलो इसका वर्किंग पढ़ते हैं कि ये काम कैसे करता है, बराबर। इसको कैसे लगाएंगे सर्किट में तो ये काम करेगा, बराबर। देखो स्टार्ट करूँ, डायग्राम समझा, सिंबल समझा, बताओ तुमको। हाँ, अब मैं ना इसको कनेक्ट करता हूँ, इसका बायसिंग होता है, बराबर। बायसिंग होता है, इसको हम लोग फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, दो अलग अलग टाइप का होता है बायसिंग, देखते हैं डायग्राम सिंबल। वर्किंग में दो टाइप का हम लोग वर्किंग देखने वाले हैं, देखो ये वर्क कैसे करता है, काम कैसे करेगा, इसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगाया तो काम कैसे करेगा वो देखते हैं। देखो मैं अभी थोड़ा छोटा बनाता, जरा ध्यान दो, ये तुम्हारा ये समझो पीएन जंक्शन डायोड, ज्यादा थियरी लिखने का जगह नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ज्यादा थियरी लिखने का जगह नहीं है, मैं ओरली थियरी बोलेगा, तुमको थियरी याद रखना है, वैसे इजी भी है, कर भी सकते हैं। ये हमारा पीएन जंक्शन ना, बराबर ना, दो टर्मिनल का डिवाइस है, एक जंक्शन है, बराबर। क्या नाम है? पीएन जंक्शन क्या डायोड की ट्रांजिस्टर डायोड, डायोड है ये, बराबर। और हाँ, चार्जेस वगैरह तो रहेगा ही, समझो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस जो भी है, बराबर ना ऐसा, और यहाँ पे क्या रहता है? नेगेटिव चार्जेस, बराबर, बराबर ना। हाँ, ये रीजन है, बताओ क्या रहेगा ये रीजन? नेगेटिव है, तुमको मालूम समझाया कैसा? अरे कुछ यहाँ से उधर गया, उधर से इधर आया कुछ, बराबर। और इधर क्या रहेगा? पॉजिटिव। थोड़ा देखने का ट्राई करो, थोड़ा छोटा लिख रहे क्योंकि और बनाने का दो तीन सर्किट है इधर, बराबर। क्या है पीएन जंक्शन डायोड? जो ऊपर बनाया वही बनाया, अभी कनेक्ट करता हूँ इसको सर्किट से। देखो, व्हेन
ये दिख रहा है कौन सा टर्मिनल, पॉजिटिव ना, और ये क्या है, नेगेटिव। व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द डिवाइस मतलब पीएन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने किसको कनेक्ट कर दिया, पी टाइप मटेरियल को ना, बराबर, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करने जा रहा हूं बताओ किसको, एन टाइप मटेरियल। तो इस टाइप का जो कंडीशन होएगा इसको हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड बायस कंडीशन। समझ आ रहा है फॉरवर्ड बायस क्या होता है, समझ आ रहा है फॉरवर्ड बायस क्या है, व्हेन पी टाइप मटेरियल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एन टाइप मटेरियल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बायस, सच अ कनेक्शन इज कॉल्ड एज अ फॉरवर्ड बायस कनेक्शन। समझ आया, अरे बहुत इजी है ना, अगर बैटरी का पॉजिटिव पी को लगाया, बैटरी का नेगेटिव नी एन को टच कर दिया, तो क्या बन गया, फॉरवर्ड बायस। समझा क्या हो रहा है फॉरवर्ड बायस। हाँ, अब जरा देखते हैं इसमें होता क्या, देखो ये समझा पहला पॉइंट क्या है, मैं स्टेटमेंट नहीं बोल रहा हूं, तुमको याद रखना है स्टेटमेंट क्या है, जगह नहीं है इतना लिखने के लिए, क्योंकि बहुत कुछ समझाना है इसमें बाकी है। ये वर्किंग में बताओ ये कौन सा वर्किंग हम लोग देखने वाले हैं यहां पे, ये कौन सा कंडीशन है, ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन, बराबर। फॉरवर्ड बायस कंडीशन पढ़ते हैं, फॉरवर्ड बायस कंडीशन क्या है, स्टेटमेंट याद रखो क्या है, व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी टाइप मटेरियल एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू एन टाइप मटेरियल, देन द कनेक्शन या फिर देन सच अ कनेक्शन इज कॉल्ड एज अ फॉरवर्ड बायस कनेक्शन या फिर फॉरवर्ड बायस कंडीशन चलता है। समझा क्या है, ये पहला पॉइंट है जो तुमको याद रखना है और तुमको लिखना है, बराबर। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट, अब जरा समझो इसमें हो क्या रहा है, जरा देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, बैटरी का पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है, पी पी टाइप मटेरियल से, और बैटरी का नेगेटिव, अब जरा सोचो पॉजिटिव टर्मिनल क्योंकि कनेक्टेड है पी टाइप मेटल को, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल इसके अंदर के पॉजिटिव चार्ज को रिपल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा, रिपल करेगा, क्योंकि लाइक चार्ज रिपल करता है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करता है, बराबर। तो ये पॉजिटिव चार्ज ये पी टाइप मेटल के अंदर जो जितना भी पॉजिटिव चार्ज उसको क्या करने वाला है, ऐसा ये डायरेक्शन में रिपल करेगा। समझ में आ रहा है क्या, हाँ। नेगेटिव सेम इधर भी ऐसे ही होएगा, क्योंकि नेगेटिव एन देखिए नेगेटिव जो टर्मिनल है बैटरी का, ये किसको कनेक्टेड है बताओ, एन टाइप मटेरियल को, तो ये भी तुम्हारे एन टाइप मेटल के अंदर जो नेगेटिव, देखो ये भी नेगेटिव और अंदर मेटल के अंदर भी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव टर्मिनल ये एन टाइप मेटल के अंदर जो भी नेगेटिव आयंस है उसको भी रिपल करेगा। अब इसके से होएगा क्या, वो दिखाई दे रहा है बीच में जो तुम्हारा जंक्शन था जंक्शन, अब वो पतला पतला होया कि ऐसा उसका थिकनेस बढ़ते जाते जाएगा बताओ, कम हो जाएगा ना उसका थिकनेस, कम होएगा। देखो ना आजू बाजू से प्रेशर आ रहा है यहाँ से ना, समझ आ रहा है, देखो एक पहले कंसेप्ट समझ लो, जब तक ये जंक्शन टूटेगा नहीं तब तक तुम्हारा ये डिवाइस वर्क करने चालू करेगा नहीं, समझा, ये डिवाइस अभी वर्क नहीं कर रहा है, बाकी भी वर्क करना, कैसे वर्क करेगा, जंक्शन दिखाई दे रहा है तुमको, इधर से पी टाइप से प्रेशर लग रहा है, एन टाइप से प्रेशर लग रहा है, वो जंक्शन धीरे 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 पतला होगा बीच में आगे फिर टूट जाएगा, समझा, और जैसे टूटा पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ मूव करने लग जाएगा और पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज इधर ना, एक बार चार्जेस मोशन में आ गया मतलब करंट फ्लो हो गया, समझ में आ रहा है, चार्जेस मोशन मतलब करंट होता है ना, समझा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल्ड एज करंट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ समझ में आया तुमको, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है बताओ जरा, फर्स्ट पॉइंट बोलो क्या था, बोलो जल्दी, when पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पी टाइप मटेरियल, एक बार पी टाइप सेमी कंडक्टर मटेरियल बोलो ज्यादा अच्छा रहेगा, पी टाइप सेमी कंडक्टर मटेरियल एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू एन टाइप सेमी कंडक्टर मटेरियल, देन सच अ कनेक्शन इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड बायस कनेक्शन। समझा फॉरवर्ड बायस कनेक्शन क्या होता है, समझा, हाँ। अब सेकंड पॉइंट याद है तुमको जो समझाया था मैंने, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल पी को कनेक्टेड है क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल एन को कनेक्टेड है, तो दोनों जगह से क्या आएगा, रिपल्शन होएगा ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये पॉजिटिव पी टाइप मेटल के अंदर जो भी पॉजिटिव चार्ज उसको रिपल करेगा, सेम ये यहां से रिपल करेगा और डिप्लीशन रीजन धीरे 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 उसका थिकनेस कम होता जाएगा ना, थिन होता है ना, पतला होता जाएगा ना, थिन। समझ में आ रहा, सेकंड पॉइंट जरा समझो, पॉइंट में जो बोलता है उसको ध्यान से समझो, पॉइंट नंबर टू सुनो, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये दिखा है पॉजिटिव, अरे मैं जो बोला वही लिखा, कुछ नया चीज नहीं है, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी क्या करेगा, रिपल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा, रिपल, किसको रिपल करेगा, पॉजिटिव चार्ज को, वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, पी टाइप मेटल के अंदर है, यही पॉइंट जरा ध्यान सुना, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी रिपल्स द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द पी टाइप मटेरियल, बराबर ना, एंड दूसरा बताओ, एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी विल रिपल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन एन टाइप मटेरियल, दो पॉइंट समझ में आ रहा है, अरे लिखने का जगह नहीं है समझा, तो तुम लोग खुद से लिखना, मैं जस्ट बोल देता है वीडियो लेक्चर में, समझ में आ रहा है, पहला पॉइंट याद है, बोलो जल्दी बताओ फटाफट,
when positive terminal of the battery is connected to p-type material, p-type semiconductor material, and negative terminal of the battery is connected to n-type semiconductor material, then such a connection is called as forward bias connection. Samjha? Second point yaad hai kya? The positive terminal of the battery repels the positive charge present in p-type material, and the negative terminal of the battery repels the negative charge present in n-type material. Is samjha raha kya hai? Samjha itna kya bol raha hai? Ha, iski wajah se batao kya hoga tumhara wo time pe wo jo width hai. Width hai kiska width? Depletion region ya to junction ka wo kam hoga na. Ha. Aage wala bhi sun lo kya hai? Hence the width of depletion region decreases. सिंपल पॉइंट है यार, खुद से बनाया हुआ पॉइंट, ऐसा कुछ नहीं है. समझा? इजी. बोलू एक बार फिर से सेकंड पॉइंट. बोलू लास्ट टाइम. हाँ, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी रिपल्स द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन पी टाइप मटेरियल एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी रिपल्स द नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन एन टाइप मटेरियल. हेंस द विड्थ समझा, थिकनेस. हेंस द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन और जंक्शन डिक्रीजेस. और एक टाइम आएगा टूट जाएगा, वो टूट गया तो करंट फ्लो ने चालू हो जाएगा. समझ में आ रहा है? दो पॉइंट समझा? बोलो. ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 सुनो. देखो एक्चुअल में तुमको बता देता हूं यहां पे होता क्या. देखो, अगर पीएन जंक्शन सिलिकॉन से बना हुआ है, मतलब याद है दो टाइप का मटेरियल होता है, एक सिलिकॉन और दूसरा जर्मेनियम. हाँ, अगर ये सिलिकॉन से बना हुआ है तो ये वो जो बैरियर ना, ये देखो ये पोटेंशियल दिख रहा है, बैरियर पोटेंशियल. अरे बैरियर पोटेंशियल जो चार्जेस पॉजिटिव को यहां नहीं आने दे रहा है, ये नेगेटिव को यहां नहीं जाने दे रहा है. जब तक चार्जेस मूव होएगा नहीं तो करंट फ्लो होएगा क्या? मुझे किसको तोड़ना पड़ेगा? मुझे जंक्शन को तोड़ना पड़ेगा. मतलब मुझे बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करना पड़ेगा, उसके आगे जाना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? तो सिलिकॉन के लिए जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो होता है 0.7 वोल्ट. कितना होता है? इसका एक्सपेरिमेंट है, तुमको इसका एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. मेरे पास भी सेटअप है, देखूंगा बाद में तुमको कराऊंगा इसके बारे में कैसा होता है. तो ये पहले सुन लो, ये क्या है? पीएन जंक्शन में से करंट कितने वोल्टेज पे फ्लो होएगा बताओ? 0.7. क्यों? पीएन जंक्शन अगर सिलिकॉन से बना है तो उसका बैरियर पोटेंशियल कितना रहता है? 0. ये दिख रहा है बैरियर पोटेंशियल कितने करेगा? 0. एक बार मैंने 0.7 वोल्ट को पार कर लिया तो ये बैरियर पोटेंशियल टूट जाएगा. समझ में आ रहा है? तो सब चार्जेस मूव होने चालू हो गए, करंट फ्लो होने चालू हो जाएगा. समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? हाँ, अगर यही पीएन जंक्शन डायोड तुम्हारा जर्मेनियम से बना है, किससे बना है? तो इसका बैरियर पोटेंशियल रहता है 0.3 वोल्ट. कितना रहेगा? याद रहेगा? सिलिकॉन से बना रहेगा तो कितने का रहता है? 0. ये सब याद रखो, ये सब ओरल में पूछते हैं वो लोग. बरा सिलिकॉन से बना रहेगा तो 0.7 वोल्ट पे ब्रेक डाउन हो जाता है बरा, और अगर जर्मेनियम से बना है तो 0.3 वोल्ट पे 3 वोल्ट पे ब्रेक डाउन हो जाएगा. समझ में आ रहा है? चलो, तो थर्ड वाला पॉइंट जरा ध्यान से सुनो मैं जो बोलता हूँ. मैंने जो वोल्टेज लगाया वो क्या रहता है? वो धीरे धीरे नॉब रहता है वहाँ पे, ऐसा बरा. ये देखा है कैसा रेगुलेटर देखा है, फैन का रेगुलेटर. हाँ, और सामने यहाँ पे मीटर वगैरह ऐसा रहता है बरा, कि डिस्प्ले में दिखाता है कि कितना वोल्टेज है. स्टार्टिंग में लेते हैं 0.1 वोल्ट, फिर घुमाया बनाया 0.2 वोल्ट, दिखा रहे करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है. 0.2 पे होएगा क्या? सिलिकॉन से बना होएगा क्या 0.2? अरे तोड़ना पड़ेगा तुमको जंक्शन. जंक्शन तोड़ने के लिए कितना वोल्टेज लगता है? 0.7 तक जाना पड़ेगा. ऐसा करते 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 0.7 जैसे पहुंचे तो तुम्हारा करंट शार्पली ऐसा इंक्रीज होता है ऊपर बरा. समझ में आ रहा है? बोलो, समझाया क्या? हाँ, तो तुम लोग ने डायरेक्ट 0.7 वोल्ट दिया था कि धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ा लेते हैं, स्लो स्टेप में वोल्टेज बढ़ा. ये पॉइंट नंबर 3 ध्यान दो. द पोटेंशियल डिफरेंस प्रिवेंट्स द, ये याद है, ये बैरियर पोटेंशियल. इसी के वजह से तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज यहां नहीं आ रहा था और नेगेटिव चार्ज इधर नहीं जा रहा था ना. हाँ, इसकी बात में कर रहा है, बैरियर पोटेंशियल के बारे में. पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बैरियर पोटेंशियल. बैरियर पोटेंशियल प्रिवेंट्स द कंटिन्यूस डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स अक्रॉस द जंक्शन. समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? द बैरियर पोटेंशियल प्रिवेंट्स, वो प्रिवेंट करता है, वो रोक देता है, आगे जाने नहीं देगा. द बैरियर पोटेंशियल प्रिवेंट्स कंटिन्यूस डिफ्यूजन. डिफ्यूजन समझ में आ रहा है? ये इसका पॉजिटिव चार्ज का इधर जाना, ये नेगेटिव चार्ज का इधर आना, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन. समझा? द बैरियर पोटेंशियल प्रिवेंट्स द कंटिन्यूस डिफ्यूजन ऑफ चार्जेस. चार्जेस ना, पॉजिटिव भी एक चार्ज है, नेगेटिव भी एक चार्ज है. किसके आजू बाजू जाने से प्रिवेंट करता है? जंक्शन के. याद है जंक्शन लिखा था ना, रब हो गया यहाँ पे, इधर जंक्शन था ना शायद. हाँ, ये जंक्शन के आजू बाजू जाने से चार्जेस को यहाँ वहां जाने से कौन प्रिवेंट करता है बताओ? अरे कौन प्रिवेंट करता है? बैरियर पोटेंशियल. बरा द बैरियर पोटेंशियल प्रिवेंट्स द कंटिन्यूस डिफ्यूजन ऑफ चार्जेस ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन. समझा? यहाँ वहां जाने से. समझ में आ रहा पॉइंट क्या है? हाँ, अब नेक्स्ट. Hence called barrier potential, यहाँ पे बोला है, which is 0.7 volt. तुमको बताया 0.7 volt किसके लिए? Silicon के लिए.
एंड 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम डायोड, ये सिखा दिया है, कुछ नया पॉइंट नहीं, पूरा पढ़ के बता दूंगा तुमको क्या है। फोर्थ पॉइंट, टोटल चार पॉइंट है, तीन पॉइंट तुमको समझा के बताओ, तीन पॉइंट याद है, अरे थर्ड पॉइंट याद है, द बैरियर पोटेंशियल, या फिर बोल सकते हैं द पोटेंशियल, कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है, द पोटेंशियल डिफरेंस विच प्रिवेंट्स द कंटिन्यूस डिफ्यूजन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन ना, अरे यहाँ वहां जाने से ना, इज कॉल्ड एज बैरियर पोटेंशियल, वो पॉइंट नंबर थ्री था तुम्हारा, विच इज 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड एंड 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम पीएन जंक्शन डायोड। ऐसे एक लास्ट पॉइंट जरा और सुन लो क्या है, द पीएन जंक्शन डायोड एक्ट एज अ क्लोज सर्किट। हाँ चलो ये बताता हूँ, ये अभी ऐसे नहीं समझेगा, पॉइंट नंबर फोर में तुमको समझाएंगे, देखो अभी तक बताओ तुमको तीन याद है क्या, तीन पॉइंट क्या हुआ है, बोलेंगे बोलेंगे ना, बोलना पड़ेगा, बोलो पहला पॉइंट बताओ क्या था, When positive terminal of the battery is connected to P-type semiconductor material and negative terminal of the battery is connected to N-type semiconductor material, क्या होता है? Then such a connection is called as forward bias connection. समझा? Second point. When नहीं आता यहाँ पे ना? Positive terminal of the battery repels the holes या फिर positive charge present in P-type material and negative terminal of the battery repels the negative charge present in N-type material. Hence, the width of the depletion region decreases. ये point था। Third point याद है? The कुछ तो potential difference यहाँ पे है ना, जो charges का continuous diffusion को रोक दे रहा है, बरा? The potential difference which prevents the continuous diffusion of holes and electron on either side of the junction is called as barrier potential, which is 0.7 volt for silicon diode and 0.3 volt for germanium diode. सिर्फ पूरा का पूरा याद हो जाना चाहिए, समझा? समझा तीन पॉइंट क्या है? अब जरा फोर्थ वाला पॉइंट समझो यहाँ पे क्या, देखो अच्छा एक बात बताओ, हम लोग ने 0.7 वोल्ट अटेंड कर लिया, कितना अटेंड कर लिया? जैसे ही 0.7 वोल्ट अटेंड कर लिया, ये जंक्शन रहेगा क्या वहाँ पे? नहीं, जंक्शन गायब हो गया है, जंक्शन का विड्थ धीरे 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 कम हो रहा था, 0.2 0.3 ऐसा बढ़ाते बढ़ाते गए ना वोल्ट, और जैसे 0.7 पहुंचे वो तुम्हारा जंक्शन एकदम पतला हो गया, अब टूट चुका है, अब सब कंटिन्यूस चार्जेस का मूव होना यहाँ पे चालू हो जाएगा। अगर चार्जेस मूव होने चालू हुए तो क्या ये इसमें से करंट फ्लो हो रहा है क्या बताओ, पीएन जंक्शन में से? चार्जेस मूव होने चालू हो गए इसके अंदर से, तो क्या ये पीएन जंक्शन डायोड के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है? हो रहा है ना, चार्जेस मूव हुआ मतलब करंट फ्लो हो गया, समझा? तो अगर चार्ज करंट फ्लो हो रहा है तो क्लोज्ड सर्किट रहता है कि ओपन सर्किट? जरा बताता हूं, जरा देखो ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट क्या होता है, देखो इसको जरा ध्यान से देखो, थोड़ा की टाइप तुमको लग रहा है ना यहाँ पे, कैसा सर्किट है ये? ओपन है कि क्लोज है? कॉमन सेंस, ओपन है ना, बरा? अगर यहां से कोई करंट आ रहा है तो क्या इधर जाएगा? खाली है, कैसा? ओपन है ना, नहीं जाएगा, बरा? वही अगर मैं इसको बंद कर दूं तो ऐसा जाएगा, तो हमारे केस में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, तो क्लोज्ड सर्किट होना चाहिए कि ओपन सर्किट होना चाहिए? क्लोज्ड सर्किट, समझा? समझ में आ रहा, क्लोज्ड सर्किट होना चाहिए। इसका मतलब है द पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस पढ़े ना हम लोग, एक्ट एज अ क्लोज्ड सर्किट। कैसे एक्ट करेगा वो? क्लोज्ड सर्किट एक्ट, क्लोज, समझ में आ रहा है? अरे एक्चुअल में स्विच देखा है, स्विच, स्विच ना, स्विच, स्विच तुम लोग समझो, अगर तुमको मैं एक सेकंड का टाइम दिया, एक सेकंड में कितनी बार उसको बंद चालू कर सकते हैं? मैक्सिमम एक, एक बार मैक्सिमम, एक बार एक, या मैक्सिमम एकदम स्पीड किया तो दो बार, बराबर ना? ये 1000 टाइम्स ऐसा कर सकता है एक सेकंड्स में, समझा रहा है? ट्रांजिस्टर ये सब होता है ना, ये एज अ स्विच काम करता है सर्किट में, वो 1000 टाइम्स कर सकता है, 1000, बरा? बहुत ज्यादा टाइम है, तो ये भी एज अ स्विच ही काम करता है। देखो ना, बंद हो गया, क्लोज्ड, अगर वही मैं रिवर्स लगा दूं तो ओपन हो जाएगा, रिवर्स लगा दूं तो ओपन हो जाएगा ना, समझा रहा है? जरा खुद देखो, खुद सोचो, हमारा जो करंट है एसी करंट, बराबर, वो एक सेकेंड में कितनी बार, कितना बार ऐसा, एक सेकेंड का मतलब उसका फ्रीक्वेंसी कितना रहता है, पहले बताओ, एसी करंट का फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 50 हर्ट्ज, पढ़ाया था ना तुमको ये, तो एक सेकेंड में वो कितनी बार ऐसा साइकिल कंप्लीट करता है? 50 टाइम्स, बराबर। तो ये जो है ना, ये 50 बार बंद चालू हो सकता है उसमें, एक सेकेंड में सिर्फ 50 बार बंद चालू हो सकता है, सोचो एक सेकेंड में हमारा स्विच सिर्फ एक बार हो सकता है मैक्सिमम, ये 50 बार हो सकता है, समझ में आ रहा है? तो ये एडवांटेज है ना मॉडर्न फिजिक्स, समझा? समझ में आ रहा है क्या है? हाँ, वो बताऊंगा कैसे, वो जब तुमको पढ़ाऊंगा मैं 12th में रेक्टिफायर्स पढ़ाऊंगा कि वो कैसे बंद चालू ये सब होता है बताऊंगा, अभी तो समझा तुमको बंद कैसे हो गया, क्लोज सर्किट, समझाया? पॉइंट नंबर फोर क्या है, क्या फॉरवर्ड बायस में तुम्हारा पीएन जंक्शन वर्क करता है? वर्क करता है मतलब करंट फ्लो होता है क्या उसके अंदर से? होता है, मतलब पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस कनेक्शन एक्ट एज अ क्लोज्ड सर्किट या फिर क्लोज्ड स्विच,
समझ में आया पॉइंट चार पॉइंट। ऐसा ही चार पॉइंट हमको रिवर्स बायस के लिए भी बनाने का है, जिसको ये समझा वही समझ सकता है। अगर समझा ये पॉइंट क्या है बोलो। चलो क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर टू वर्किंग में। देखो टाइम जाएगा, आज टाइम है, धीरे धीरे टाइम जाएगा क्योंकि अब ट्वेल्थ में आ चुके हैं, समझो हम लोग ट्वेल्थ टच कर दिए अभी। यही सेम लॉजिक, यही सेम, पूरा का पूरा एज इट इज है, खाली बैटरी का पोलैरिटी चेंज। अब बैटरी को मैंने घुमा दिया है, अब यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे क्या है, समझ में आ रहा है क्या है? अरे माले मैंने बैटरी का बड़ा लाइन पॉजिटिव होता है, छोटा लाइन नेगेटिव होता है, बराबर वही सेम पूरा दिख रहा, ऐसा ही वही सेम। डायोड को चेंज नहीं किया, डायोड एज इट इज का एज इट इज ही है। अब बताओ जरा देख के, मैं डायोड बनाऊ कि समझ जाएगा तुमको? बनाऊ, चलो ठीक है। देखो ये पीएन जंक्शन डायोड, सोच के रखो अब बैटरी का कौन सा टर्मिनल कौन से मटेरियल को अटैच है, क्या होने वाला, सोच के रखो पूरा ए टू जेड। बन गया तुम्हारा पीएन जंक्शन, पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल, यहां पे सब पॉजिटिव चार्जेस, यहां पे सब नेगेटिव चार्जेस, बराबर ना? ये पॉजिटिव, सोचो जरा बैटरी का टर्मिनल देखो और बताओ यहाँ पे क्या होने का चांसेस है, बोलो। हाँ अट्रैक्शन तो होएगा, ये राइट है। देखो पहला पॉइंट बनाओ, बनाओ पहला पॉइंट, व्हेन 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 नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, देन सच अ कनेक्शन इज कॉल्ड एज अ रिवर्स बायस। क्या बोलेंगे इसको? रिवर्स बायस्ड कंडीशन या फिर कनेक्शन, ज्यादा अच्छा रहेगा, समझा? रिवर्स बायस कनेक्शन याद रहेगा। पहला पॉइंट, अरे इसे ही बनाऊंगा मैं, चार का चार पॉइंट एग्जैक्ट वैसे ही बनाने वाला है। बोलो पहला पॉइंट याद हुआ तुमको? होना चाहिए, मैं लिख नहीं रहा, तुमको याद हो जाना चाहिए, समझा? सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में हमारा याद है, यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या था? रिपल अट्रैक्ट वाला ना, रिपल करता ना, याद है? ये पॉजिटिव टर्मिनल पी के अंदर जो भी पॉजिटिव चार्ज उसको रिपल करा था। अब ये नेगेटिव टर्मिनल क्योंकि पॉजिटिव का मतलब अटैच्ड है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल सबका सब पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, ऐसा सेम वैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल क्योंकि कनेक्टेड है एन को नेगेटिव, तो सबका सब नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब जो तुम्हारा डिप्लीशन रीजन है वो बड़ा बड़ा है कि कम कम होएगा बताओ? अब बड़ा हो जाएगा, उसका डिप्लीशन रीजन का विड्थ बढ़ेगा। बोलने आएगा तुमको पॉइंट, स्टार्ट करो बोलो। सेंस 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 सर सेंस द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ, एक मिनट सिंस नहीं वैसे जैसे किया था भाई, बोलो क्या? द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी अट्रैक्ट्स, पहले रिपल कर रहा था, अभी अट्रैक्ट किसको? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन पी टाइप मटेरियल एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी अट्रैक्ट द नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन एन टाइप मटेरियल, हेंस द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस। पहले डिक्रीजेस था, बराबर है, इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर थ्री। पॉइंट नंबर थ्री याद है क्या हो रहा था यहाँ पे? क्या था बताओ? हाँ कितने के लिए कितना होता है वो ना, वैसा वो यहाँ पे तो मालूम कि उतना ही जीरो पॉइंट, लेकिन अभी हम लोग उल्टा काम कर रहे हैं ना, यहाँ पे डिप्लीशन रीजन अभी कम हो रहा है क्या? तो 0.7 0.3 का बात ही नहीं आएगा यहाँ पे, समझा? ये जो डायोड है ना यहाँ पे, ये वैसे इस केस में रिवर्स, इसको कैसे अटैच किया अपने, रिवर्स उल्टा अटैच किया ना, तभी तो नाम दिया रिवर्स बायस कनेक्शन। इस केस में भी थोड़ा करंट फ्लो होता है, बराबर, उस करंट को बोलते हैं रिवर्स लीकेज करंट। क्या बोलेंगे उसको? थोड़ा सा करंट जो माइक्रो एम्पियर्स में होता है, किसमें होता है? बहुत बहुत कम रहता है, माइक्रो एम्पियर्स में रहता है, और जो फॉरवर्ड में करंट फ्लो होता है वो मिली एम्पियर्स में रहता है, बराबर याद रहेगा इतना तो, वो सब बताऊंगा आगे डायग्राम में भी और आएगा। हाँ तो एक्चुअल में क्या लगता है तुमको, डिप्लीशन जो टूटेगा कभी? वो ऐसा बढ़ते बढ़ते जाएगा, कब तक बढ़ेगा? जहां देखो यहां से चालू होगा बढ़ते बढ़ते यहां तक ही आ सकता है ना, खत्म, बराबर। फिर अगर एक बार यहाँ तक आ गया तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाता है और तुम्हारा डायोड जल जाएगा, समझा? ऐसा होता है, डिवाइस जल जाता है, बराबर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, समझ आ रहा पॉइंट क्या है? हाँ तो रिवर्स केस में भी एक बार बताओ, क्या ये रिवर्स केस में यहाँ से करंट वगैरह फ्लो हुआ? नहीं, क्योंकि डिप्लीशन रीजन टूटा क्या? नहीं, वो तो बढ़ते बढ़ते जा रहा है, नहीं टूटेगा वो। और अगर टूटा ही नहीं, अगर डिप्लीशन रीजन टूटा ही नहीं तो करंट मिलेगा तुमको? नहीं, प्रैक्टिकली देखा जाए तो तुमको बहुत कम करंट मिलता है, सो क्या बोलते हैं हम लोग? रिवर्स लीकेज करंट, लीक हो रहा है, थोड़ा सा करंट लीक होता है, रिवर्स लीकेज करंट बोलते हैं, समझा? समझा रहे पॉइंट क्या है? मतलब ये याद है, ये फॉरवर्ड बायस में वर्क कर रहा था क्या?
अरे ये वर्क करा था क्या, ये पीएन जंक्शन डायरेक्ट फॉरवर्ड में वर्क करता है, करता है, डिप्रेशन से टूट जाता है क्या, रिवर्स में टूटता है डिप्रेशन रीजन, नहीं ये रिवर्स बायस में वर्क नहीं करता है, ये इसका एक ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक समझ आ रहा है, इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में काम नहीं करता, वो सिर्फ कहाँ काम करता है, फॉरवर्ड बायस, इसीलिए हम लोग ने बनाया ज़ीनर डायोड, क्या बनाया, जो फॉरवर्ड में भी काम करेगा और रिवर्स में भी काम करता है। समझ में आया पॉइंट क्या हो रहा है, बोलो। हाँ, तो पॉइंट नंबर थ्री याद है क्या रहेगा, मैंने क्या बताया पॉइंट नंबर थ्री में, सिंस द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस, बराबर, यहाँ पे क्या होने वाला है, देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, ना प्रैक्टिकली वहां से कोई करंट फ्लो नहीं होता है, एक्सेप्ट कौन सा करंट, रिवर्स लीकेज करंट, थोड़ा सा रिवर्स लीकेज करंट मिलता है, बताया था ना तुमको मैंने, प्रैक्टिक ज्यादा करंट नहीं, अरे माइक्रो एम्पियर मतलब बहुत कम हो गया, माइक्रो मतलब 10^-6 एम्पियर, बहुत कम करंट मिलता है लेकिन करंट, समझा रहे पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर थ्री समझ, बहुत इजी पॉइंट है, बराबर, सिंस द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस, बराबर, देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट थ्रू द पीएन जंक्शन डायोड एक्सेप्ट रिवर्स लीकेज करंट, वो थोड़ा सा फ्लो होता है, नाम में है ना लीकेज, लीक हो रहा है मतलब, समझ में आ रहा है पॉइंट क्या है, इजी है पॉइंट नंबर थ्री, समझा है। और वो रिवर्स लीकेज करंट किस कितने ऑर्डर में रहता है, माइक्रो एम्पियर्स, याद होगा माइक्रो एम्पियर्स में रहता है, बराबर। फोर्थ पॉइंट याद है यहाँ पे क्या था, फोर्थ पॉइंट, अरे बोलो फोर्थ पॉइंट क्या, क्लोज सर्किट, क्या इसमें से करंट फ्लो हुआ, हुआ नहीं हुआ, रिवर्स लीकेज हुआ, लीकेज बहुत कम रहता है, अरे बाबा परम, तो ये ऐसा एक्ट करेगा, ऐसा एक्ट करेगा कि बंद करो इसको, अगर क्लोज किया फिर तो करंट फ्लो होना चाहिए, वैसा केस फर्स्ट वाले में आता है, फॉरवर्ड बायस में आता है, रिवर्स में करंट फ्लो हुआ केस के अंदर से, मतलब द पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बायस एक्ट एज अ ओपन सर्किट या फिर ओपन स्विच। समझ में आया पॉइंट में क्या बोला, चारों पॉइंट याद है, चलो बोलो जरा बताओ फटाफट जल्दी क्या क्या था, रुक जाओ पहले स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग चालू करो, बोलो क्या था, अच्छा स्टार्टिंग क्या था, व्हेन द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज अटैच्ड टू द पी टाइप मेटल एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज अटैच्ड टू एन टाइप मेटल देन सच अ कनेक्शन इज कॉल्ड एज अ रिवर्स बायस कनेक्शन। सेकंड पॉइंट जल्दी चालू करो, द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी अट्रैक्ट्स ऑल द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन पी टाइप मटेरियल and the positive terminal of the battery attracts all the charges present in all the negative charges present in n-type material, hence the width of the depletion region increases, samjha point number 3 yaad hai bara, since the width of the depletion region increases there is no flow of current through the pn junction diode except reverse leakage current which is of order micro which is of order micro ampere 10^-6 एम्पीयर। लास्ट वाला पॉइंट, क्लोज सर्किट के ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, द पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बायस एक्ट एज अ ओपन सर्किट, खत्म, ये क्लोज सर्किट, ये ओपन सर्किट, समझ में आया, इजी है ना। हाँ, अब पढ़ते हैं इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या पढ़ेंगे, खत्म नहीं हुआ, बहुत बाकी है, इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम है क्या होता है, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, बरा, हाँ ठीक है, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, चलो स्टार्ट करते हैं। अरे बहुत बड़ा है, बताया तुमको, ट्वेल्थ में आ चुके अभी तुम लोग, अभी जल्दी आने का तो सोचना ही नहीं है, अभी बोलो और पढ़ाओ सर, एक घंटा और पढ़ाओ, ऐसा बोलना चाहिए, ठीक है, चलो 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 ध्यान दो, इधर देखो क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, बताओ क्या बताया मैंने तुमको, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, ध्यान दो इधर देखो सब लोग, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वोल्टेज करंट का कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ऑलरेडी समझा दिया मैंने तुमको क्या होता है, बराबर, चलो खाली ग्राफ बनाए, वी आई ग्राफ बनाएंगे और क्या है, देखो ग्राफ में क्या होता है, जरा ध्यान से देखना सब लोग, वी आई कैरेक्टरिस्टिक बताया ना अपन ने, दो बायस्ड कंडीशन में वर्क, दो बायस्ड कंडीशन इसमें, एक फॉरवर्ड बायस और दूसरा क्या है रिवर्स बायस, तो वी एफ कोई बता सकता, वी एफ मतलब क्या रहेगा, चलो ऑप्शन के लिए तुमको थोड़ा हिंट के लिए वी आर भी दे दिया, फॉरवर्ड वोल्टेज, समझा, फॉरवर्ड करंट, रिवर्स करंट, समझा, अच्छा जरा ध्यान से देखना क्या होता है, जरा यहाँ पे देखो, थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था, देखो याद है ना क्या हो रहा था यहाँ पे, कौन सा कहाँ, कौन सा एक्सेस है, चलो ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, ये तुम्हारे प्रैक्टिकल्स में भी है, ट्वेल्थ के प्रैक्टिकल है, ट्वेल्थ में एक प्रैक्टिकल आता है ना, 8 मार्क का तुमको प्रैक्टिकल करना है, मतलब ना ऐसे टोटल 30 मार्क्स रहता है, उसमें बायफर्केशन बताऊंगा बाद में, अभी नहीं, चलो अभी इतना टाइम नहीं है, क्या बोलो क्या था यहाँ पे, बोलो जल्दी, फॉरवर्ड वोल्टेज, ये बताओ रिवर्स वोल्टेज, ये
फॉरवर्ड करंट, रिवर्स करंट, जीरो ना, जीरो वोल्ट है। अच्छा मैं पहले फॉरवर्ड का वर्किंग देखता हूँ। फॉरवर्ड का वर्किंग यहाँ आएगा बरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, रिवर्स का वर्किंग कहाँ पे आएगा, थर्ड। अरे रिवर्स रिवर्स देखो ना, थर्ड में आएगा ना बरा। हाँ एक बात बताओ, मैंने वोल्टेज रखा है 0.2 वोल्ट, कितना रखा है फॉरवर्ड, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं 0.2 वोल्ट रखा है। करंट मिलेगा तुमको, फ्लो होगा करंट, कितने पे फ्लो होता है 0.7, लेकिन थोड़ा वोल्टेज तो दिया ना, थोड़ा सा लीकेज करंट तो मिलता है, थोड़ा सा लीकेज तो रहता है वहाँ पे देखो, क्योंकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो थोड़ा सा रिवर्स लीक, थोड़ा सा करंट मिलेगा, रिवर्स नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा करंट मिल रहा है तुमको, दिखाई दे रहा है ब्लू कलर से, 0.2 वोल्ट है, 0.4 बढ़ाया, 0.4 मतलब और बढ़ा दिया, 0.4 तक गए, थोड़ा और करंट मिलेगा, दिखा है थोड़ा और लीकेज, फॉरवर्ड लीकेज करंट है बराबर, थोड़ा सा करंट मिलता है। जैसे ही समझो मैं पहुंचा किधर, समझो ये दिखा, ये पॉइंट कुछ ये पॉइंट पे समझो, इस पॉइंट ये पॉइंट है 0.7 वोल्ट, कितना है 0.0, मैंने क्या बताया जैसे ही 0.7 वोल्ट पहुंचेगा ये तुम्हारा बैरियर पोटेंशियल गया ना, जंक्शन टूट गया है। अब बोलो क्या होने वाला है, अब जो तुम्हारा करंट है वो शार्प इंक्रीज दिखाएगा ना, अभी करंट फ्लो होएगा ना, यहाँ पे टूट गया बैरियर, टूट गया है बराबर। अब जो यहाँ से करंट मिलेगा वो तुमको बहुत ज़्यादा करंट मिलेगा, देख रहे ऐसा ऊपर जाएगा ग्राफ, समझ में आ रहा है। ये सिर्फ कितने पे होता है बताओ, 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट पे ऐसा होता है बराबर। हाँ समझा फॉरवर्ड का कंसेप्ट बराबर। अब जरा ध्यान से देखो, इधर देखो, अगर इस कर्व पे मैंने बना दिया एक टेंजेंट, हाँ ये कर्व पे मैंने क्या बना दिया एक टेंजेंट, मालूम है टेंजेंट, ये रेड कलर का जो है वो टेंजेंट है बराबर। हाँ ये जो टेंजेंट मैंने बनाया है, ये टेंजेंट ये एक्सिस को किधर तो कट करेगा, वो कहाँ कट करता है एक्चुअल में, 0.7 उधरी तो बढ़ेगा ना तुम्हारा वो कर्व, समझा रहे हैं, 0.7 वोल्ट पे। इस वोल्टेज, एक ऐसा वोल्टेज जहाँ पे तुम्हारा फॉरवर्ड बयास में करंट फ्लो होने स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या बोलेंगे इसको बताओ, एक्चुअल में पूरा नाम रहेगा फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या बोलेंगे इसको, फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज, फॉरवर्ड बराबर, फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। समझाइए क्या है नाम, समझा रहे क्या, समझा रहे फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज इसको बोलते हैं। एक ऐसा वोल्टेज जहाँ पे तुम्हारा वो जंक्शन ब्रेकडाउन हो चुका है, टूट चुका है, और वो कितने पे होता है तुमको मालूम है, 0.7 सिलिकॉन के लिए, 0.3 जर्मेनियम के लिए बराबर ना। ये वोल्टेज का एक और नाम है, इसको हम लोग नी वोल्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज। क्यों दिखाई दे रहा है वो, देखो नी जैसा दिख रहा है, नी जैसा दिख रहा है, नी, अरे दिख रहा है कि नी जैसा दिख रहा है ना, इसके लिए उसका नाम क्या है, नी वोल्टेज भी उसको बोलते हैं। समझ में आया क्या लॉजिक है बराबर। ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये फॉरवर्ड करंट रहेगा बराबर। फॉरवर्ड करंट ज्यादा कब मिलेगा बताओ तुमको, कितने वोल्टेज के आगे तुमको ज्यादा करंट मिलेगा, 0.7, उसके पहले तो थोड़ा ही थोड़ा करंट रहता है, लीकेज करंट थोड़ा सा रहेगा। समझा फॉरवर्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आते हैं रिवर्स में। रिवर्स में कुछ भी कर लो क्या करंट फ्लो होता है, लेकिन कौन सा करंट फ्लो होता है, हाँ रिवर्स लीकेज करंट ना, रिवर्स लीकेज करंट। तो कितना भी वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते जाओ, कितना ही वोल्टेज बढ़ाते जाओ, तुमको करंट मिलने वाला नहीं है, सिर्फ क्या मिलेगा बताओ तुमको, रिवर्स लीकेज। लेकिन एक टाइम आएगा जब तुम्हारा वो जो डिप्लीशन रीजन है, ये दिख रहा है डिप्लीशन रीजन, ये एकदम एंड तक पहुंच जाएगा, एकदम एंड तक पहुंच जाएगा ना, फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगा। अरे सोचो ना, ये डिप्लीशन रीजन अगर पूरा वो डायोड के एंड तक पहुंच गया तो एक्चुअल में डिप्लीशन रीजन है क्या, अभी दिमाग लगा रहे क्या कुछ, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दिखाई दे रहा है डिप्लीशन रीजन, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ बढ़ के कहां तक पहुंच जाएगा बताओ, तो किधर है फिर डिप्लीशन रीजन, क्योंकि वो टच कर दिया एंड में। तो ऐसा जब ये डिप्लीशन एंड में टच कर दिया तो भी डिप्लीशन जो गया गया ना, तो उस टाइम पे कुछ ज्यादा ही करंट फ्लो हो जाता है। ज्यादा करंट फ्लो होगा तो ज्यादा हीट जनरेट होता है, कोई भी डिवाइस में से ज्यादा करंट फ्लो हुआ तो ज्यादा हीट जनरेट होता है और वो डिवाइस तुम्हारा डैमेज हो जाएगा। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा क्या हो रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे तुम्हारा रिवर्स लीकेज करंट सडनली इंक्रीज हो जाता है, एकदम शार्प इंक्रीज दिखाएगा। इस टाइम पे तुम्हारा वो जो डिप्लीशन रीजन वो एंड तक पहुंच गया है और ज्यादा करंट फ्लो हो गया और तुम्हारा डिवाइस डैमेज हो चुका है। समझ में आ रहा है, ये वो कंडीशन है। समझ में क्या है, यहाँ पे भी अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ, जरा ध्यान से देखो, अगर मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया बराबर, ये टेंजेंट दिखाई दे रहा है, टेंजेंट इधर ब्रेकडाउन हुआ है ना, फॉरवर्ड ब्रेकडाउन है कि रिवर्स ब्रेकडाउन है, हाँ इसके लिए इसको बोलते हैं एक ऐसा वोल्टेज जहां पे तुम्हारा डिवाइस डैमेज होने का चांसेस है, एकदम एंड तक पहुंच गया ना वो डिप्रेशन है, इसका नाम रहेगा रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या बोलेंगे, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। समझा क्या है, बोलो। और वो जो करंट दिखाई दे रहा है तुमको वहां पे ब्लू कलर का थोड़ा सा करंट दिखाई दे रहा है, क्या बताओ इसका नाम,
नाम बताया था तुमको मैंने, हाँ रिवर्स, क्या बोलते हैं इसको, रिवर्स लीकेज। क्या लीकेज, क्या करंट, समझा, जो शार्पली इंक्रीज होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे और वहां पे तुम्हारे डिवाइस का डैमेज होने का चांस रहता है। समझ में आया वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, बोलो। फॉरवर्ड बायस कंडीशन समझा, पीएन जंक्शन डायोड का। रिवर्स बायस समझा, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गया। और कुछ है, बस नहीं, ठीक है, चलो समझ में आया। बोलो ये, बोलो ये डिवाइस समझाए तो ही तुमको ये सब समझेगा जो लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, यही इसमें टाइम लगता है, इसमें टाइम लगने वाला है, ये फटाफट करते हैं। हो गया, बोलो ये समझ में आया सबको, पीएन कैसा वर्क करता है, पीएन जंक्शन डायोड। ऐसे ही हम लोग ट्वेल्थ में जाएंगे तो इसका मैं तुमको ट्रांजिस्टर पढ़ाएगा, यहाँ पे टाइप ट्रांजिस्टर पढ़ाएगा, फिर आईसी पढ़ाएगा। आईसी मालूम है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अरे नहीं मालूम है, ऐसा कंप्यूटर वगैरह में तुमने देखा रहेगा चिप्स में ऐसा कुछ, ये सब पढ़ेंगे बाद में, बरा आईसी क्या होता है, बरा ये सब एकदम सब कुछ है हमको एकदम डिटेल में, काम कैसे करता है ये सब कुछ एकदम डिटेल में देखेंगे। अभी तो एकदम बेसिक बेस, अभी तो एकदम लो लेवल पे हम लोग, अभी तो पीएन जंक्शन पढ़ रहे हैं, बरा समझ में। चलो इसका ड्रॉबैक याद है, क्या बताओ इसका ड्रॉबैक, ये रिवर्स रीजन में काम नहीं करता, ये सिर्फ कहाँ काम कर सकता है, फॉरवर्ड, बरा। इसके लिए हम लोग ने रिवर्स में काम करने के लिए क्या बनाया, जीनर डायोड, जीनर डायोड है ये, पीएन जंक्शन डायोड, उसके लिए हमने क्या बनाया बाद में, जीनर, जीनर पढ़ेंगे ट्वेल्थ में, अभी जीनर नहीं है हमको। चलो किधर थे हम लोग, हाँ ये पढ़ा, एडवांटेज हो गया, एडवांटेज पढ़ाया क्या तुमको, नहीं। चलो कुछ और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, चलो भी पढ़ लेते, टेस्ट बुक ओपन करो पहले, अभी और कुछ बाकी है क्वेश्चन हमारा। टेस्ट बुक ओपन करो फटाफट, और वो पेज नंबर 255 पे आओ, पेज नंबर 255 पे आओ, टेस्ट बुक लेके आने का लेक्चर के टाइम पे, कुछ कुछ चीज़ यहाँ पे लिखा नहीं जा सकता है, बहुत बड़ा बड़ा रहता है। आया पेज नंबर, जल्दी जल्दी निकालो फटाफट, 255 निकाला, पेज नंबर 255। देखो वहाँ पे कुछ तो डिवाइस है, बहुत सारा और भी डिवाइसेस है, वो सब डिवाइसेस को पढ़ेंगे हम लोग। स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 255 पे, सबसे पहला डिवाइस पढ़ो, क्या देखो क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर एंड पीएन जंक्शन डायोड, मिला क्वेश्चन, हाँ इसमें बहुत सारा एप्लीकेशन है। पहला पढ़ो क्या है, सोलार सेल, सोलार सेल मालूम है क्या है, बहुत ईजी है सोलार सेल। सोलार सेल करता क्या है, वो हीट एनर्जी लेगा और उसको कन्वर्ट किस में कर देगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, सोलार पैनल वगैरह देखा रहेगा, सेम वैसे ही सोलार सेल, नाम में है ना सोलार सेल, कौन सा एनर्जी लेगा वो, कौन सा सोलर एनर्जी मतलब हीट एनर्जी, और जो कन्वर्ट किस में कर देगा, इलेक्ट्रिकल। ये हम लोग वहां यूज करते, गांव वगैरह जगह में यूज करते हैं इसको, बराबर ना, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं रहता है लेकिन वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, बराबर, तो वहां पे ये सब यूज कर सकते हैं मोबाइल को चार्जिंग वगैरह करने के लिए, बराबर ना। चलो पढ़ते, पढ़ो क्या है, कन्वर्ट्स, क्या करता है, कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिक, अच्छा लाइट एनर्जी था वो, लाइट एनर्जी था, अपन हीट बोल दिया, कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करने लगता है बताओ, इलेक्ट्रिसिटी, इन कहाँ पे, इन रिमोट एरियाज एंड ऑल्सो फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी। याद है सैटेलाइट देखा है, सैटेलाइट उनका ऐसा आजू बाजू एक विंग जैसा रहता है, विंग्स, उसके ऊपर एक पैनल लगा रहता है ऐसा, पैनल्स, बराबर, क्यों, क्योंकि वहाँ यहाँ से थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी भेजेंगे, बैटरी थोड़ी लगा के भेजेंगे वहाँ पे, समझा, उधर सन तो है ना, सन तो रहेगा तो सन का लाइट एनर्जी लेगा वो सोलार पैनल या फिर सोलार सेल, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और वहाँ पे सेल रहता है, बराबर, वो सेल में उसको सेल का चार्जिंग रिचार्जिंग चार्जिंग रिचार्जिंग होते रहता है वहाँ पे, समझ में, उधर भी यूज करते हैं, सैटेलाइट्स में यूज कर सकते हैं। और पढ़ो क्या दिया, स्पेस प्रोब्स एंड स्पेस स्टेशन, स्पेस स्टेशन में भी यही रहता है, उधर थोड़ी तुम लोग वहाँ पे पावर प्लांट लगाने वाले हैं, स्पेस स्टेशन मालूम ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, हाँ उधर भी यूज करते हैं। आगे नेक्स्ट पढ़ो क्या, फोटो रेजिस्टर, बराबर, फोटो रेजिस्टर मतलब क्या है, देखो बहुत सिंपल है, फोटो रेजिस्टर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है एलडीआर, एलडीआर तुमको दिया तो नहीं है इसमें बट बता सकता हूँ, देखो एलडीआर दिखता कैसे है, देखो ये डिपिक डिवाइस, जैसे पीएन जैसे कैसे डिवाइस है वैसे, ये डिवाइस का यूज हम लोग मोस्टली तो कहाँ पर यूज करते मालूम है, स्ट्रीट लाइट्स होता है ना, स्ट्रीट लाइट्स, उदी कैसा होता है पहले देखो बताता हूँ, फिर बाद में क्या है, एलडीआर ऐसा रहता है, ऐसा अंदर मेटल वगैरह लगाया रहता है और नीचे ऐसा दो, देखा है कभी ऐसा कुछ, कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर एलडीआर, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर बोलते हैं इसको, बराबर, करता क्या वो सुनो, करता क्या वो, अभी तो सिर्फ एक ही लाइन का तुमको दिया है यहाँ पे, एकदम डिटेल में नहीं है। इस पर जैसे ही लाइट गिरेगा ना, लाइट, ये लाइट एक एक टाइप का सेंसर है समझो, बराबर, जैसे ही इसके ऊपर लाइट गिरता है, अरे ये जो दो निबच बनाया है वो टर्मिनल है उसका, ये देखिए जो जैसा ये दो टर्मिनल है वैसे ये नीचे दो टर्मिनल है, बराबर, जैसे इस पर लाइट गिरता है वो एक्टिवेट हो जाता है, बराबर, जैसे इसके ऊपर लाइट गिरेगा ना ये अपना रेजिस्टेंस कम कर देगा, और जैसे ही अपना रेजिस्टेंस कम किया तो यहाँ से करंट फ्लो होने स्टार्ट हो जाता है, बराबर, इसको हम लोग उल्टा कनेक्ट करते हैं, ये क्या ऐसे एप्लीकेशन तो बहुत सारा हो सकता है, एक बेसिक एप्लीकेशन बता दो क्या हो सकता है, देखो समझो स्ट्रीट लाइट्स देखा, स्ट्रीट लाइट्स, बराबर, स्ट्रीट लाइट जो सोलार पे चलता है ना, स्ट्रीट लाइट वैसा भी आ रहा है धीरे धीरे ना, जो सोलार पे रहता है दिन में चार्ज होएगा रात में जलेगा, उसमें कोई फिजिकल कनेक्शन वगैरह नहीं रहता वायर्स का, तो जब दिन में लाइट गिरता है
दिन में लाइट गिरेगा इस पर बराबर, और करंट फ्लो ने स्टार्ट हो जाएगा, बैटरी को क्या करेगा वो चार्ज करेगा, दिन भर चार्ज करेगा, जैसे ही रोशनी गया बरा, अब लाइट गिरेगा क्या इसके ऊपर? नहीं, उस टाइम पे वो बैटरी का एनर्जी यूज करेगा, मतलब ये सर्किट में लगाते हैं, उस टाइम पे बैटरी का एनर्जी यूज करेगा और लाइट को जलाएगा। इससे मालूम पड़ता है ना कब लाइट जलाना है कब नहीं जलाना है, जब तक लाइट गिर रहा है इस पे तब तक वो लाइट मत जलाओ, स्ट्रीट लाइट, समझ में आ रहा है? और जैसे ही लाइट गया वैसा उसको कनेक्ट करते हैं, जैसे ही लाइट गया कि अपने आप चालू हो जाता है, समझा समझा? तो ये एक टाइप का लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है, मतलब लाइट पे डिपेंडेंट ना इसका रेजिस्टेंस। लाइट आया गिरा, रेजिस्टेंस कम हो गया, करंट फ्लो ने स्टार्ट, याद है जब रेजिस्टेंस कम होता है तो ही करंट फ्लो होता है, मालूम है ना तुमको ये चीज? हाँ पढ़ो, पॉइंट नंबर टू पढ़ो, क्या है फोटो रेजिस्टेंस? क्या है फोटो? मतलब लाइट, फोटो फोटोन मतलब लाइट ना, हाँ क्या है? चेंजेस इट्स है, बताया ना मैंने, अपना रेजिस्टेंस कम कर देगा कभी जब लाइट गिरेगा, हाँ चेंजेस इट्स रेजिस्टेंस व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट, समझ में आया पॉइंट क्या है? इजी है, नेक्स्ट पढ़ो दूसरा क्या है? अच्छा बीजेटी भी आ गया, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, चलो ट्रांजिस्टर आ ही गया, देखो ये देखो बीजेटी रेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर नाम है, इधर देखो ध्यान दो सब, इधर देखो पी टाइप मटेरियल, क्या पी ना, पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल है ना ये, इसको बोलते हैं एन टाइप मटेरियल। अब एक और लगा दिया यहां पे मटेरियल, एक और लगा दिया, एक और पी लगा दिया बराबर, तो ये बन गया ट्रांजिस्टर। क्या बना दिया अपन ने बताओ यहां पे? कितना टर्मिनल का डिवाइस बताओ ट्रांजिस्टर? तीन टर्मिनल डिवाइस बराबर। इसको हम लोग एम्पलीफायर्स में यूज करते हैं, एम्पलीफाइंग जो भी सर्किट रहता है बराबर, उधर यूज करते हैं बीजेटी को, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बहुत सारा एप्लीकेशन है, वैसे दिया थोड़ा ही बहुत रहेगा। दो टाइप का ट्रांजिस्टर हो सकता है, पीएनपी, उल्टा दूसरा बताओ एनपीएन, वैसा भी रहता है बराबर। पढ़ो चलो स्टार्ट करते हैं। दिस आर डिवाइसेस विथ टू जंक्शन, दिखाई दे रहा है दो जंक्शन? दो जंक्शन दिखाई दे रहा है? अरे देखो ना दो जंक्शन, पहले बता दिया ट्रांसफर में दो जंक्शन होता है बराबर। दिस आर टू जंक्शन एंड थ्री टर्मिनल भी है, देखो गिनो जरा बराबर, तीन टर्मिनल है। और पढ़ो क्या है? अ ट्रांजिस्टर कैन बी पीएनपी, अपना वाला पीएनपी वाला है, और एक बताया दूसरा भी रहता है, और दूसरा क्या दिया क्या था, देखो बाजू में दिया है, और एनपीएन ट्रांजिस्टर, सिंपल सिंपल कुछ हार्ड नहीं। कंडक्शन टेक्स प्लेस विथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन, सेमीकंडक्टर है तो इसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन के दोनों की वजह से कंडक्शन हो सकता है। और पढ़ो क्या है? मेनी अदर टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स आर डिजाइंड एंड फैब्रिकेटेड टू सूट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, दे आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल सेमीकंडक्टर डिवाइस। ये इतना वाला पॉइंट नहीं, एटलीस्ट एक पॉइंट तुमको लिखना है बस वहां पर, समझा क्या? एक पॉइंट लिखो सोलर एनर्जी में, सोलर सेल में लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये एक पॉइंट हो गया। फोटो पढ़ा अपने, फोटो रजिस्टर, फोटो सेल पढ़ा ना, फोटो रजिस्टर ये क्या करता है, जैसे इस पे लाइट गिरा इसका रेजिस्टेंस में चेंज आ जाता है। फिर थर्ड क्या पढ़ा है? बीजेटी, बीजेटी ना फुल फॉर्म क्या है? बाइपोलर जंक्शन ट्रांस, तीन टर्मिनल का डिवाइस है, दो जंक्शन का डिवाइस है, एम्पलीफायर्स में यूज करते हैं और बहुत जगह पे यूज कर सकते हैं बराबर। नेक्स्ट पढ़ो क्या है? फोटो डायोड, कौन सा डायोड? फोटो डायोड, फोटो डायोड भी पीएन जंक्शन एक्चुअल में, फोटो डायोड भी इसके जैसा ही काम करता है। क्या रहता है जरा देखो, इधर देखो ये दिख रहा है जंक्शन, जंक्शन फोटो, देखो ये पीएन जंक्शन डायोड में, समझा क्या हो रहा है? इधर मालूम है क्या हो रहा था? इलेक्ट्रिसिटी दिया, मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया तो जंक्शन टूटा, और हम एक्चुअल में जो जंक्शन टूटा वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से टूटा ना बरा। अब उल्टा काम होएगा, क्या करते हैं यही पीएन जंक्शन, कुछ नया चीज रहता है, पीएन जंक्शन डायोड ही रहेगा इसका, जो दिख रहा है जंक्शन, जंक्शन के ऊपर ट्रांसपेरेंट मटेरियल लगाते हैं, ट्रांसपेरेंट, जरा ध्यान सुना, पी टाइप मटेरियल एन टाइप मटेरियल, उस टाइम पे तुमको नहीं, मैं किसकी बात कर रहा हूँ बताओ, टॉपिक का नाम क्या है हमारा? फोटो डायोड, मैं फोटो डायोड बता रहा हूँ कैसे होता है। देखो फोटो डायोड में पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल तुमको नहीं दिखाई देगा, तुमको सिर्फ क्या दिखाई देगा? जंक्शन बरा, डिवाइस ही ऐसा बनाते हैं कि जंक्शन के ऊपर कांच रहता है, ग्लास, क्यों कांच रहता है, और वो कांच भी स्पेशल टाइप का ग्लास रहता है, क्वार्ट्ज ग्लास यूज करते हैं वहाँ पे बरा। तो जैसे ही लाइट गिरेगा फोटो डायोड पे, तो एक्चुअल में लाइट बताओ किस पे गिरेगा? जंक्शन, क्योंकि जंक्शन को तो खुला रखा है ना कांच से, बाकी तो पैक है। लाइट एक टाइप का एनर्जी है, जैसे ही वो जंक्शन पे गिरा जंक्शन टूट जाएगा। कैसे टूटा? अरे पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी देके जंक्शन को तोड़ा था, अभी लाइट एनर्जी देके जंक्शन को तोड़ रहे, समझ में आ रहा है? अब उल्टा काम होगा, लाइट एनर्जी जैसे जंक्शन पे गिरा जंक्शन टूटेगा, और जो भी इलेक्ट्रॉन्स होल्स यहाँ पे है वो मूव करेंगे अपोजिट साइड और तुमको करंट मिलेगा। समझा फोटो डायोड क्या है? पहले करंट से जंक्शन टूटा था, अब लाइट से जंक्शन टूटेगा और तुमको करंट मिलेगा। समझ में आ रहा है फोटो डायोड क्या रहता है? आगे नेक्स्ट, अच्छा पढ़ लो जरा पॉइंट क्या, पढ़ो इट, याद है कब कब काम करेगा? जब उस पर लाइट गिरेगा जंक्शन टूटेगा तो करंट फ्लो होने चालू हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है? हाँ,
इट कंडक्ट्स व्हेन इल्यूमिनेटेड विद, जैसे ही लाइट गिरा वो काम करने चालू कर देगा, समझा। लाइट नहीं गिर रहा है इसका मतलब क्या है, वो काम नहीं करेगा। इसको भी यूज कर सकते हो तुम लोग ये इसमें, या स्ट्रीट लाइट में इसको भी यूज किया जा सकता है। जब तक लाइट गिर रहा है तब तक इसके अंदर से करंट फ्लो होते होते रहेगा, समझा। कोई एक सर्किट में यूज, समझो मेरे को एक सर्किट बनाने का है जो दिन के टाइम पे उसमें से करंट फ्लो होना चाहिए, रात के टाइम पे करंट नहीं फ्लो होना चाहिए, तो मैं फोटो डायोड लगा देगा वहां पे। जैसे लाइट गिर रहा है करंट फ्लो होते होते रहे, और जैसे लाइट गया मतलब लाइट मतलब सूरज का रोशनी बरा वो गया तो उस पर लाइट गिरेगा नहीं बरा, और तो ब्लॉक कर देगा वहां से, समझ में। वहां पर यूज कर सकते। नेक्स्ट पढ़ो क्या है, एलईडी। एलईडी देखा, ये क्या लगा है, सब एलईडी है। ये जो लाइट्स लगा है कौन सा लाइट है, एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। क्या होता है, पहले था क्या, नहीं अभी समझ आए, फुल फॉर्म याद रखो। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एमिटिंग, वो भी डायोड ही है, डायोड ही है। एक ऐसा स्पेशल टाइप का डायोड जब जंक्शन टूटेगा, और जो भी दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन होल पैर एक दूसरे कोलाइड होते हैं बराबर, और उस टाइम पे तुमको लाइट मिलता है। उस टाइम पे एनर्जी जो तुमको मिलेगा किसके फॉर्म में रहता है, लाइट। पीएन जंक्शन डायोड से ही बनता है एलईडी। जो एलईडी होता है वो भी क्या, वो भी पीएन जंक्शन डायोड ही है। स्पेशल टाइप का पीएन जंक्शन डायोड है जिसमें इलेक्ट्रॉन और होल पैर से जोड़ी की वजह से क्या मिलेगा तुमको, लाइट। समझा क्या है, पढ़ो पॉइंट, पढ़ो क्या है, पढ़ो। लाइट एमिटिंग डायोड्स क्या करता है, एमिट्स लाइट व्हेन करंट पासस थ्रू इट। बराबर, कहां यूज करते हैं, हाउस होल्ड एलईडी लैंप है क्या, घर पे यूज वगैरह करते हैं ना हम लोग, और करो और क्या बताओ, यूज सिमिलर टेक्नोलॉजी, दे कंज्यूम्स लेस पावर, कम पावर। याद है एलईडी, पहले याद है, पहले सबसे पहले हम लोग ट्यूबलाइट यूज करते थे, ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट ना गोल रहता था, गोल एकदम ऐसा सिलेंडर टाइप। फिर गया तो सीएफएल आया, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ओके, सीएफएल का फुल फॉर्म है CFL, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। बराबर, वो उससे भी अच्छा हम लोग ने क्या बनाया, एलईडी। समझा, फ्यूचर में शायद एलईडी से भी कुछ अच्छा आ सकता है। जब बल्ब रहता था, बल्ब बिल बहुत ज्यादा आता था, बराबर वो रहता ना ऐसा ट्यूबलाइट का, उससे बिल बहुत ज्यादा आता था। फिर बिल बचाने के लिए सब लोगों ने CFL लगाने स्टार्ट कर दिया, बराबर। उससे भी बाद में अच्छा क्या आ गया, एलईडी। तो एलईडी से सबसे कम ये सब, अरे ये ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एलईडी जो है वो कैसा डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बहुत कम पावर कंज्यूम करता है। बहुत सारा एप्लीकेशन है ना ये, एक्चुअल में वो जो एलईडी है वो तो पीएन जंक्शन डायोड है ना, सेमीकंडक्टर तो है, सेमीकंडक्टर बहुत सारे एग्जांपल, बहुत सारा एप्लीकेशन है उसका, और बहुत एडवांटेज भी है। सबसे पहला चीज, बहुत छोटा होता है, वो छोटा रहता है ना, स्मॉल साइज, बहुत चीप रहता है, सस्ता रहता है एकदम, बरा छोटा तो सो रहता है ना, सस्ता भी रहेगा, सस्ता रहता है, छोटा रहेगा, जगह कम लेगा, हीट कम जनरेट करता है, पावर बहुत कम लगेगा, बिल बहुत कम आएगा, समझा। बहुत सारा एप्लीकेशन, वो सब इधर लिखा हुआ है, समझा, पढ़ेंगे हम लोग बाद में। चलो आगे पढ़ते, हो गया ये एलईडी, हो गया। उसके बाद क्या है, लेजर। लेजर मालूम है, अरे लेजर में भी यूज करते हैं, हाँ लेजर, बरा लेजर का फुल फॉर्म मालूम है, अरे लेजर का फुल फॉर्म होता है क्या, लेजर ही खाली फुल फॉर्म है उसका, है लेजर का फुल फॉर्म होता है। देखो सुनो, ध्यान दो, शायद तुम्हारे ट्रेस बुक में नहीं था। देखो, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये लेजर का फुल फॉर्म है। एल ए जेड नहीं आता है, एल ए एस रहता है, एस, बराबर। याद रखना फुल फॉर्म क्या है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये लेजर का फुल फॉर्म है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, चलो इधर इधर देखो, स्टार्ट करते हैं, पढ़ो लेजर, पढ़ो क्या है, लेजर में लगता है, लेजर में भी यूज करते हैं। लेजर क्या है, हाँ, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एलईडी, इट एमिट्स लाइट ऑफ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, इट इज स्मॉल, छोटा सा तो रहता है, मेला में मिला रहेगा ना तुमको, खरीदा रहेगा 25-30 रुपीस का, वही वही बराबर, हाँ, एंड हैव अ लॉन्गर लाइफ, नहीं किधर गया, आगे ना, स्मॉलर इन साइज एंड कंज्यूम लेस पावर, तीन सेल रहता है, छोटा छोटा सेल रहता है उसमें ना, बराबर, सिंपल सिंपल। आगे नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट क्या है, क्या नेक्स्ट यूज है, आईसी, याद है, तो बनाया था मैंने आईसी इंटीग्रेटेड, वो बॉक्स बनाया था ऐसा ऐसा, कंप्यूटर चिप्स, बराबर, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट नाम था उसका, बनाया था ना मैंने थोड़े दिन पहले, ऐसा बॉक्स टाइप बनाया था आईसी, बराबर। आईसी के अंदर सब रहता है, एलई उसमें, उसके अंदर सब मिलेगा तुमको, पीएन जंक्शन मिलेगा, जीनर मिलेगा, अलग अलग टाइप का उसमें तुमको गेट्स वगैरह मिल सकता है, गेट्स पढ़ेंगे हम लोग 12th में, बराबर, क्या रहता है, मतलब नाम ही है, देखो ना, इंटीग्रेटेड मतलब सब कुछ है उसके अंदर, वो प्लस भी कर सकता है, वो कैल्सी में वही रहता है, एक चिप लगाया था ना, वो प्लस करेगा, माइनस करेगा, इंटू करेगा, डिवाइड करेगा, सब आता है, समझा, इंटीग्रेट डिफरेंस सब कर सकता है, समझा, मैथा हर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, इसके लिए उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स। पढ़ो पॉइंट क्या, अ स्मॉल डिवाइस हैविंग, पढ़ो, हंड्रेड्स ऑफ डायोड, बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा डायोड रहता है उसके अंदर, हंड्रेड्स ऑफ डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर परफॉर्म्स द वर्क ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ध्यान दे रहे, इधर ध्यान दे, बराबर, समझा,
बोलो पॉइंट समझ में आ रहा है क्या है? अरे याद रहेगा एग्जांपल्स क्या क्या है बताओ। पहला एग्जांपल क्या पढ़ा हम लोगों ने? सोलर सेल। सेकंड क्या पढ़ा? फोटो रेजिस्टर्स। थर्ड बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। फिर क्या पढ़ा? फोटो डायोड। फिर क्या पढ़ा? एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। फिर सॉलिड स्टेट लेजर। लेजर के बारे में बताया, लेजर बहुत सिंपल सा कांसेप्ट है। और लास्ट क्या है? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। चलो ये हो गया, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे। चलो इधर आओ। एडवांटेज किसका बताया? बहुत सारा है, ऐसे ओरली बोल सकते हैं। छोटा साइज है, स्मॉल साइज है, बराबर, तो कम जगह लेगा, कम जगह लेगा, कम वोल्टेज पे काम करता है, बराबर, पावर कम कंज्यूम करता है, पावर कम कंज्यूम करेगा, हीट कम जनरेट करेगा। बहुत सारे पांच एग्जांपल है, पांच तो इधर ही हो गया, बराबर। पढ़ो पढ़ो फटाफट पढ़ो। क्या? स्मॉलर इन साइज एंड लाइट वेट, हल्का होता है, एकदम हल्का रहता है, बराबर। आगे नेक्स्ट, ऑपरेट्स एट स्मॉलर वोल्टेज, बहुत कम वोल्टेज पे काम करता है। नेक्स्ट, रिक्वायर्स लेस करंट, कम करंट लगेगा, बराबर। आगे कंज्यूम्स लेस पावर, पावर कम कंज्यूम करेगा तो बिल भी कम आएगा। और नो हीटिंग, वे गर्म होता ही नहीं है, फैन वगैरह तुम्हारा गर्म हो जाएगा ज्यादा चलेगा तो, ये एलईडी लगाया ये गर्म नहीं होता, समझा, ये जल्दी गर्म नहीं होएगा, बराबर। नो हीटिंग इफेक्ट, हेंस द हेंस थर्मली स्टेबल, बराबर, थर्मली स्टेबल होता है, ज्यादा हीट वीट कोई टेंशन नहीं देता। आगे बढ़ो, फास्ट स्पीड ऑफ ऑपरेशन, चालू किया बटन धड़ा से चालू हो जाता है। पहले याद है पहले का जो ट्यूबलाइट रहता था, ट्यूबलाइट, बराबर, पहले चालू किया ना उसका चोक कॉइल से, पहले लाइट ऐसा जलता था, फिर कभी कभी घुमाना ही पड़ता था उसको ऐसा, फिर जाके वो चलता था, मालूम है? उसमें एक चोक कॉइल था, चोक कॉइल मालूम है कि नहीं? भूल गए? उसका पट्टी रहता था, पट्टी रहता ऐसा ऐसा, बराबर, बीच में रहता था और यहाँ पे एक छोटा सा चोक कॉइल था, कभी बंद हो गया तो उसको चोक कॉइल को घुमाते थे ऐसा, बराबर, तो कभी तभी चालू होता था ऐसा। हाँ चलो देखते आगे। नहीं तो स्पीड ऑफ ऑपरेशन पहले बहुत स्लो था, लेकिन एलईडी आने से वो फास्ट हो चुका है। आगे नेक्स्ट, फैब्रिकेशन, आईसी बना सकते हो, इंटीग्रेटेड सर्किट्स बना सकते हैं हम लोग, बराबर, इज पॉसिबल। समझ में आया क्या है? कुछ डिसएडवांटेज भी इसका देखते हैं। एडवांटेज का तो प्लस पॉइंट है, तो नेगेटिव पॉइंट भी रहता है। पढ़ो पहला डिसएडवांटेज क्या है? सेंसिटिव टू इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, बराबर, चार्जेस वगैरह अगर ज्यादा हो जाए तो उस टाइम पे वो ऑपरेशंस खराब करने लगे, बराबर, समझा, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस का ऑपरेशन खराब हो जाता है। नेक्स्ट, नॉट वेरी यूजफुल इन कंट्रोलिंग हाई पावर, बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम नहीं कर सकता है, मैक्स टू मैक्स वर्क करेगा, 2 वोल्ट, एक 1.5 वोल्ट, उतने पे वर्क करता है, बराबर। ज्यादा वोल्टेज जहां पे समझो, बहुत ज्यादा समझो, मोटर चलाने का है, मोटर, बराबर, घर पे पानी भी नहीं कभी नहीं आता तो मोटर लगाते हैं, बराबर ना, बिल्डिंग में ऊपर पानी पहुंचाने के लिए मोटर लगाते हैं, बराबर, तो उस टाइम पे तुम लोग वहां पे ये सब डायोड्स, उस टाइम पे सेमीकंडक्टर ही यूज कर सकते हैं वहां पे, क्योंकि सेमीकंडक्टर 1 वोल्ट 2 वोल्ट पे चलता है, बराबर, और जो तुम्हारा वो मोटर है वो 220 वोल्ट लेगा पूरा ना, 220 से 240 वोल्ट लेता है और हॉर्स पावर में चलता है ना वो, बराबर, तो उसको उसमें तुम लोग नहीं यूज करते, हाई पावर में नहीं यूज किया जा सकता है। आगे नेक्स्ट, रेडिएशन को सेंसिटिव रहता है, बराबर, रेडिएशन नहीं, और रेडिएशन मालूम है क्या है ना, अल्फा डीके बीटा ऐसे पढ़ा था ना, हाँ, रेडिएशन को सेंसिटिव। आगे, सेंसिटिव टू फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर, इसका मतलब मालूम है क्या है? इसका मतलब मालूम है, कभी बारिश के टाइम पे बिजली वगैरह कटता है ऐसा, लाइटनिंग होता है तो घर पे मम्मी पापा बोलते टीवी बंद कर दे, क्यों? उसका रीजन क्या है? उनको भी साइंस आता है, बराबर, ये रीजन है, जरा सुनो वहाँ पे होता है क्या, देख, अगर लाइट समझो उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी है और लाइटनिंग हो रहा है, लाइटनिंग भी तो एक टाइप का इलेक्ट्रिसिटी है, तो उस टाइम पे लाइट्स में बहुत, जो भी इलेक्ट्रिसिटी उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आता है, फ्लक्चुएशन समझा रहा है, लाइट का वेव साइन वेव होता है ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी हमारा साइन वेव होता है, साइन का ग्राफ फॉलो करता है, तो कभी कभी पीक बहुत ऊपर तक चल जाएगा ऐसा, बहुत ज्यादा वोल्टेज आ जाता है, ज्यादा वोल्टेज अगर तुम्हारे टीवी के सर्किट से गया तो उस टाइम पे सर्किट का जलने का चांस रहता है, अरे जल जाएगा ना, ज्यादा वोल्टेज दोगे तो पीएन जंक्शन डायोड जल जाएगा, समझ में आया, बराबर है ऐसा, तो ज्यादा वोल्टेज ज्यादा कुछ फ्लक्चुएशन आया तो उस टाइम पे ये काम नहीं कर सकता है, बराबर, समझा रहा पॉइंट। आगे नेक्स्ट, दे नीड कंट्रोल्ड कंडीशन फॉर देम, अगर उनको बनाना भी है तो एकदम प्रॉपर कंट्रोल्ड कंडीशन चाहिए, मतलब प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर प्रेशर वगैरह चाहिए, तो जाके बनेगा अच्छी तरह से। आगे, सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन है, जर्मीनियम बहुत कम है ना, मेटल्स वगैरह तो बहुत सारा है, सेमीकंडक्टर बहुत कम है हमारे पास, सिलिकॉन जर्मीनियम बस ऐसा। नेक्स्ट पढ़ते हैं थर्मिस्टर क्या है, थर्मिस्टर का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, थर्मिस्टर एक टाइप का सेंसर है, थर्मिस्टर क्या है? सेंसर, करता क्या है देखो, समझो कुछ ऐसे जगह पे इसको यूज करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर हमको चेक करना है, या फिर समझो कोई हमको कोई एक ऐसा जगह है जहाँ पे कोई समझो कोई पर्सन आया, या फिर कोई ऐसा बॉडी आया, या फिर समझो उस जगह का टेम्परेचर बढ़ गया, कोई पर्टिकुलर जगह पे मैंने एक सेंसर लगा के रखा है, बराबर, वहाँ पे समझो कोई भी ह्यूमन जाता है, कोई भी ह्यूमन आया, समझा, कोई भी जानवर वगैरह आया, तो बॉडी गर्म रहता है ना, बॉडी गर्म रहता है ना, ह्यूमन बॉडी गर्म रहता है, बराबर, तो वो थोड़ा बहुत हीट देता ना आजूबाजू सराउंडिंग में, देता ना थोड़ा बहुत हीट देता है, बराबर, तो उस टाइम पे अगर सराउंडिंग का मेरे को समझो चेक करना है कोई पर्सन जा रहा है आ रहा है कि नहीं वहाँ से, तो वहाँ पे लगाएंगे हम लोग थर्मिस्टर, बराबर, ये एक टाइप का सेंसर है, जैसे ही कोई पर्सन गया
बराबर। जैसे कोई पर्सन गया तो वो सराउंडिंग का थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज हो जाएगा ना, समझा ना। समझो बहुत गर्दी हो गया, समझो यही क्लास में अगर 50 लोग बैठ गए तो हीट बढ़ जाएगा ना, गर्मी होएगा ना तुमको, बराबर ना। तो कोई अगर पर्टिकुलर सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज होता है, चेंज हो गया, जैसे टेम्परेचर चेंज हुआ ना तो थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। जरा ध्यान सुनो, थर्मिस्टर इज अ टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस। ये कैसा डिवाइस है, थोड़ा भी टेम्परेचर में चेंज आया, थोड़ा भी चेंज आया ना, अपने रेजिस्टेंस में कुछ ज़्यादा ही चेंज कर लेता है ये। समझना रहा पॉइंट क्या है, थर्मिस्टर इज अ टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस विच शोज लार्ज चेंज इन द रेजिस्टेंस फॉर स्मॉल चेंज इन द टेम्परेचर। थोड़ा भी टेम्परेचर में चेंज आया, खुद का रेजिस्टेंस एकदम ज़्यादा ही कुछ चेंज करा लेगा। समझना पॉइंट क्या है, बोलो। अरे खुद का रेजिस्टेंस ज़्यादा चेंज कर लिया मतलब करंट ब्लॉक हो, करंट जाएगा ही नहीं अभी, और करंट नहीं जा रहा है मतलब मालूम पड़ेगा भाई कोई तो है वहाँ पे। समझना रहा है, सेंसर जैसा यूज करते हैं सब चीज़ को, बराबर ऐसा। पढ़ो पहला पॉइंट तो बता दिया, पहला पॉइंट समझा क्या है, थर्मिस्टर इज अ टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस। क्या करता है, इट शोज लार्ज चेंज इन द रेजिस्टेंस फॉर स्मॉल चेंज इन द टेम्परेचर। समझा, सराउंडिंग का टेम्परेचर एक डिग्री सेल्सियस से ही बढ़ा तो खुद का रेजिस्टेंस कुछ ज्यादा बढ़ा लेगा, हमको मालूम पड़ेगा कोई तो पर्सन वहां पे है, कोई तो आ रहा जा रहा है वहां से, या तो उस मीडियम का टेम्परेचर में चेंजेस आ चुका है। समझा, ऐसा कुछ। आगे नेक्स्ट, दो टाइप का रहता है, एक होता है पीटीसी, दूसरा होता है एनटीसी। दो टाइप का थर्मिस्टर, पहला नाम क्या है पीटीसी, दूसरा का नाम क्या है। पीटीसी का फुल फॉर्म है पॉजिटिव टर्मिनल कोएफिशिएंट, एनटीसी का फुल फॉर्म है नेगेटिव टर्मिनल को। क्या है, क्या है, बहुत सिंपल सा। अगर समझो हम लोग एनटीसी को देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, एनटीसी में अगर समझो टेम्परेचर बढ़ा, सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ा तो खुद का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तभी तो नाम बोला है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ना, देखो एनटीसी का फुल फॉर्म क्या है, नेगेटिव ना, मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा तो खुद का रेजिस्टेंस ज्यादा कम होएगा। ज्यादा बता ना, ज्यादा चेंज दिखाता है रेजिस्टेंस में तो ज्यादा कम हो जाएगा। वैसे ही पीटीसी में क्या होता है, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ा तो इसका भी टेम्परेचर, तभी तो नाम दिया पीटीसी। समझ में आ रहा पॉइंट क्या है, चलो कुछ और पढ़ते हैं उसमें। आप ये पढ़ा दिया, ये तो दो पॉइंट था, चलो ये पढ़ो क्या इसका यूजेज कहाँ कहाँ का, एज अ सेंसर यूज करेंगे और क्या है, सेंसर जैसे यूज करेंगे। पढ़ो, पीटीसी थर्मिस्टर कम होएगा ना कभी, हाँ विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर। आगे इसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है, इसलिए तो नाम दिया है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, याद रहेगा। तो बताओ पीटीसी का कोएफिशिएंट कैसा रहेगा, पॉजिटिव, अरे नाम में है ना, हाँ इट्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज नेगेटिव। आगे बढ़ो, दे आर कॉमनली यूज्ड एज अ टेम्परेचर सेंसर्स, आ गया वर्ड ना, सेंसर, टेम्परेचर को सेंस करने के लिए यूज करेंगे ना, सेंसर नाम क्यों दिया, सेंस करता है वो, बरा ऐसा। आगे, एंड ऑल्सो इन द टेम्परेचर कंट्रोल्ड सर्किट, कोई एक ऐसा सर्किट है जिसमें देखने है कि हाँ ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा तो सर्किट को डायरेक्ट ब्रेक कर देना है, तो उधर यूज करेंगे हम लोग इसको। समझा, ऐसा पीटीसी, यार पीटीसी बहुत ईजी है, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ा तो खुद का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तभी तो नाम है। इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट कैसा रहेगा, पॉजिटिव। समझा, इसका भी यूजेस बहुत जगह पे, पढ़ो चलो। रेजिस्टेंस ऑफ पीटीसी थर्मिस्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द, बराबर है, इट्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव। कहां यूज करते हो पढ़ लो, दे आर जनरली यूज्ड एज अ रीयूजेबल फ्यूज। फ्यूज मालूम है, घर पे रहता है फ्यूज, मीटर के जस्ट बाजू में रहता है फ्यूज, है क्या सबके घर पे मीटर रहेगा ना, मालूम है ना फ्यूज क्या होता है, अरे टेंथ में तो पढ़ा था ना फ्यूज, हाँ एक वायर होता है, एक वायर होता है, बराबर। कभी कुछ ज्यादा करंट आया, कभी कुछ ज्यादा करंट आया तो ये जो ये वायर है हाँ मेल्ट होके टूट जाएगा ना, अरे गर्म ज्यादा गर्म हो, ज्यादा करंट आया मतलब ज्यादा करंट फ्लो होएगा इसमें से, ज्यादा करंट मतलब ज्यादा हीट मतलब पिघल के गिर जाएगा मतलब टूट जाएगा, तो तुम्हारे घर का लाइट गया। समझा, तो वो टाइम पे जो इलेक्ट्रिशियन आता है वो क्या करता है, वो ज्यादा कुछ नहीं करता, वो नया लाके फ्यूज लगा देगा। समझा, बस इतना ही काम करता है। समझा, फ्यूज का लॉजिक क्या है, तो इसको हम लोग रीयूजेबल फ्यूज जैसा यूज कर सकते हैं, किसको, पीटीसी को, रीयूजेबल मतलब फिर से यूज किया जा सकता है, रीयूजेबल फ्यूजेस, बराबर, हाँ कहते हैं। दे आर जनरली यूज एज अ रीयूजेबल फ्यूजेस टू लिमिट द करंट पासिंग थ्रू अ सर्किट एंड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ओवर करंट, ज्यादा करंट कभी आ जाता है उसको प्रिवेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं, बराबर। कंडीशंस एज अ रीसेटेबल फ्यूज, फिर से सेट किया जाता है। अभी देखो नया कुछ आ चुका है, ये मानो तुमको पीसीबी, एक दूसरा बताता हूँ, रुको नाम, एक नाम है माइंड में नहीं आ रहा, बताता हूँ क्या वो फ्यूज में यूज करते हैं, मालूम है अभी ऐसा कुछ आ चुका है, ऐसा रहता ऐसा वो टक टक ऐसा करते हैं, मालूम है नाम, मालूम है ऐसा क्या है, हाँ वैसा लिखे वैसा वो मीटर में रहता है, और जैसे ही कुछ भी हुआ ना, जैसे कुछ भी हुआ वो अपने आप डाउन हो जाता है नीचे, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता है, मालूम है। उसका एक नाम है, याद नहीं आ रहा मेरे को प्रॉपर, देखते याद आया तो बताता हूँ, चलो
हाँ करेक्ट करेक्ट, एमसीबी बोलते हैं उसको, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, बराबर। एमसीबी नाम है उसका, नाम क्या है, एमसीबी मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, बराबर है। छोटा सा रहता है ना, जैसे कुछ भी यहाँ पे कर, समझो किसी को घर पे शॉक भी लगा ना, कोई ने किसी ने गलती से मिक्सर विक्सर में हाथ हाथ लगा दिया, कुछ कर फिर दिया, बराबर, तो उस टाइम पे डायरेक्ट अपने आप डाउन हो जाता है वो, कुछ करने का जरूरत नहीं, बराबर। वो लेटेस्ट है, नया नया टाइप का फ्यूज है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी बोलते हैं उसको। चलो एमसीबी नाम तो सुना रहेगा, एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। चलो ये हो गया, और आगे पढ़ो जल्दी, फटाफट खत्म करो। थर्मिस्टर्स आर मेड फ्रॉम थर्मली सेंसिटिव मेटल ऑक्साइड से, बराबर। थर्मिस्टर है, खुद सेंस करता है, मतलब बना भी किससे रहेगा, एक ऐसे मेटल से जो एक टाइप का सेंसर है ना, समझा, तो थर्मली सेंसिटिव मटेरियल है, उससे बनाएंगे उसको। आगे बढ़ो, दे कैन मेजर टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ स्मॉल एरिया, छोटे से जगह पे भी अगर टेम्परेचर का चेंज हुआ तो भी मेजर कर सकता है, क्यों मालूम है, खुद का साइज ही छोटा है, बराबर ना। आगे क्या देखो, ड्यू टू देयर, थोड़ा छोटा सा साइज है तो उसके आज वो जितना भी टेम्परेचर में चेंज आया फटाक से मेजर कर लेगा, फटाक से वो चेंज दिखा सकता है, बराबर। नेक्स्ट पढ़ो क्या है, स्टैटिक डीसी रेजिस्टेंस, ये जो पीएन जंक्शन डायोड दिख रहा है इसके पास दो टाइप का रेजिस्टेंस आ सकता है, एक होता है स्टैटिक मतलब कंफर्म इतना ही, बराबर, और दूसरा है डायनामिक जो चेंज होते रहता है, नाम स्टैटिक मतलब रुका हुआ चीज, स्टैटिक बराबर, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, डायनामिक मतलब चेंज, ये स्टैटिक का मतलब समझा क्या है, जिसमें चेंज नहीं हो रहा है, डायनामिक का मतलब चेंज हो रहा है। चलो जल्दी पढ़ो पढ़ो, फटक खत्म करते पढ़ो। When a PN junction diode is forward bias, समझा दिया ना, forward bias, मालूम है forward bias में काम करता है ना वो, हाँ आगे बढ़ो, it offers a definite resistance, कुछ तो resistance offer करेगा वो, it offers a definite resistance in the circuit, this resistance is called as, क्या बोलेंगे उसको, static या तो DC resistance, बड़ा DC, समझा DC, याद है DC current static रहता है ना, उसमें इसमें changes नहीं आता DC current में, AC में तो change आता है ना, कम ज्यादा होता रहता है AC current, DC change नहीं होता, DC एक ही रहता है constant, आगे The DC resistance, जो DC resistance देखो, PN junction diode is defined as, ये क्या है, ratio है, देखो RG मतलब DC resistance, मतलब static resistance, ये ratio है, किसका ratio बताओ, DC voltage across the diode to the DC current flowing through the particular diode, बरा, समझ में आ रहा है, अरे DC voltage को जब DC current से divide करेंगे तो तुमको DC resistance मिलेगा, simple है, समझा, DC resistance, अपने मन से बनाओ ना, DC resistance is defined as the ratio of DC voltage to the DC current, simple, इतना भी चलेगा। आगे पढ़ो क्या है, डायनामिक मतलब यहां पे चेंज होएगा, अगर रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है इसका मतलब शायद वोल्टेज और शायद करंट भी चेंज हो रहा है, बराबर। डायग्राम में देखो, इधर देखो, इधर देखा है, ये इधर इधर, स्मॉल आरजी का मतलब क्या है, डायनामिक रेजिस्टेंस, बराबर। जैसे यहां पे वी था वैसे यहां पे क्या देखो, डेल्टा वी, वो ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, डेल्टा, जैसे यहां पे आए था यहां पे क्या है, डेल्टा है, डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज को, मैंने बताया ना, अगर डायनामिक रेजिस्टेंस है इसका मतलब डायनामिक वोल्टेज है और डायनामिक करंट है, चेंज इन वोल्टेज और चेंज इन करंट, समझा क्या है। चलो पढ़ते पढ़ो, पॉइंट पढ़ो, द डायनामिक एसी रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वोल्टेज टू द चेंज इन करंट, इधर से बनाया, ये क्या था, रेशियो ऑफ वोल्टेज टू द करंट, इसको बोलेंगे चेंज इन वोल्टेज टू द चेंज, डेल्टा मतलब चेंज, सिंपल। आगे हाँ, ये देख रहे ग्राफ, ग्राफ में मैंने एक वोल्टेज और करंट को प्लॉट किया, ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ग्राफ का अगर मैंने स्लोप निकाला, देखो ये आई है ना, आई ये आई है, तो आई के लिए बोलो क्या रहता है हमारे पास, आई से जो चेंज है मतलब इधर दिख रहा है, इसके लिए तुम्हारे पास यहाँ पे डेल्टा आई आया है, ये क्या बताओ, वी, वी के वैसे यहाँ पे क्या है, डेल्टा वी, बराबर, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा मैम, ये दिखा है, ये वी है ना, ये देखो ना वोल्टेज का एक्सिस, वोल्टेज के एक्सिस के वैसे ये दिख रहा है, इसमें चेंज क्या रहेगा, डेल्टा वी, करंट वाला दिखा है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा आई, और दोनों को डिवाइड करेंगे तुमको मिलेगा स्लोप ना, स्लोप मालूम है क्या होता है, स्लोप मतलब होता है डीवाई बाय डीएक्स ना, स्लोप का मतलब डीवाई बाय डीएक्स मतलब चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई मतलब डी आई, सॉरी डेल्टा है, डेल्टा है ना, और चेंज इन एक्स मतलब क्या आएगा, डेल्टा वी, बराबर, ये स्लोप है। तो डायनामिक एसी रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला है, एक और तरीके से को डिफाइन कर सकते हैं, डायनामिक एसी रेजिस्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप, स्लोप का उल्टा है, स्लोप का उल्टा है, स्लोप निकाला है पहले से, स्लोप निकाला ना, स्लोप का आंसर क्या है, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी, वो इधर डाल दिया तो ये घूम गया ऐसा ऊपर, क्या बन गया, डेल्टा वी बाय, सिंपल सिंपल। एक लास्ट क्वेश्चन पढ़ लो, खत्म पढ़ो, फीचर ऑफ डिप्लीशन रीजन, अरे इसके बारे में पढ़ेंगे, डिप्लीशन जो सिखा दिया पहले से, डिप्लीशन रीजन में दोनों टाइप का चार्ज रहता है, पॉजिटिव भी रहता है नेगेटिव, इसके लिए वहां पे क्या आता है, बैरियर पोटेंशियल, जिसकी वजह से चार्ज यहां से वहां, वहां से यहां पर डिफ्यूज नहीं हो सकता ना। चलो पढ़ो फटाफट, पहला पॉइंट पढ़ो, इट इज फॉर्म्ड बाय डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, ये जो इलेक्ट्रॉन आया है वो कौन से रीजन से आया हुआ इलेक्ट्रॉन है, एन से आया, डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन रीजन, एन से आया किधर, पी में आया। दूसरा ये पॉजिटिव वाला पढ़ो, दिस, अरे पढ़ो,
ये देखो सुनो, एन रीजन से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो कुछ यहाँ पे वैकेंट जगह खाली, जगह बन गया ना वैकेंट, तो वो जगह को ही तो होल्स बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा क्या हो रहा है? अरे एन को जब इसके अंदर डिफ्यूज किया था तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गए थे? पी में आ गए थे। जब एन से इलेक्ट्रॉन पी में आया तो एन में जगह खाली हो जाएगा ना, वो खाली वैकेंट जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? होल्स, पॉजिटिव चार्ज। तो ये होल्स हो गया और ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स हो गया। सिंपल पढ़ो क्या था, दिस लीव्स पॉजिटिव चार्ज आयन इन, ये पॉजिटिव चार्ज आयन बताओ कहाँ पे है? एन रीजन में ना। और ये नेगेटिव चार्ज आयन कहाँ पे आ चुका है? पी में आ गया। बताओ समझा पहला पॉइंट? सेकंड जल्दी पढ़ो, पी रीजन, ये दिखा रहा पी रीजन, ये वाला। अरे पी एक्चुअल में पॉजिटिव होता है लेकिन डिफ्यूजन के वजह से यहाँ पे कौन सा चार्ज आ चुका है? नेगेटिव। और एन में क्या आ गया? यही पॉइंट है, पढ़ो जल्दी। द पी रीजन एक्यूमुलेट्स इलेक्ट्रॉन, ई माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, एंड द एन रीजन एक्यूमुलेट्स होल्स, होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन रिजल्ट्स इन फॉर्मिंग अ पोटेंशियल बैरियर, मतलब ही बैरियर पोटेंशियल, याद है ना? हाँ। एंड प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ चार्ज, ये बैरियर पोटेंशियल के वजह से ही तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ नहीं जा रहा है, नेगेटिव चार्ज यहाँ नहीं आ रहा है, और एक बार टूट गया तो फिर जाने लगेगा, बराबर है? आगे कहाँ थे हम लोग? हाँ, देर आर नो चार्जेस डिप्लीशन रीजन में, एक्चुअल में देखा जाए तो कोई चार्जेस बनता नहीं क्योंकि जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव कैंसिल। समझ में आया ना? सिंपल। आगे लास्ट, द डिप्लीशन रीजन हैज हायर पोटेंशियल, तुम बोलो हायर पोटेंशियल मतलब क्या होता है? पॉजिटिव पोटेंशियल को बोलते हैं हायर पोटेंशियल ना, और नेगेटिव क्या बोलते हैं? लोअर। अब जरा ध्यान से देखो, डिप्लीशन रीजन, सिर्फ डिप्लीशन रीजन को देखो क्योंकि क्वेश्चन ही डिप्लीशन रीजन का है। डिप्लीशन रीजन में एन टाइप दिखाई दे रहा है, एन टाइप में ये हायर पोटेंशियल है कि लोअर पोटेंशियल है? पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल। पी टाइप मेटल में देखो, जरा देखिए बताओ क्या है? Negative. मतलब लोअर पोटेंशियल। यही लास्ट पॉइंट पढ़ो, द डिप्लीशन रीजन हैज हायर पोटेंशियल इन ऑन एन साइड एंड लोअर पोटेंशियल ऑन पी साइड ऑफ द जंक्शन। समझा? खत्म चैप्टर। समझा क्या है? बोलो, ये पॉइंट तुमको याद रहेगा ना, ये खुद से लिखना, मेरे पास एक पीडीएफ है वो भी भेजता हूँ, उससे भी तुम लोग देख के लिख सकते हो, बराबर? समझा ना पॉइंट क्या है? चलो जा सकते हो, जाओ।